अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यू एक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम ई कॉमर्स वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की जो है वो ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे एट यू एक्सेल ट्रेनिंग और जानेंगे कि आज ये ई कॉमर्स की जो ट्रेनिंग है वो आपको कैसे अपने करियर में बेनिफिट कर सकती है और कैसे आप इसमें से न्यू अर्निंग स्ट्रीम्स पैदा कर सकते हैं। बिकॉज हमारा अल्टीमेट मकसद यही है कि आप अपनी ट्रेनिंग करें और अपने स्किल्स में इजाफा लेकर आए और उन स्किल्स के थ्रू आप अर्निंग करें, चाहे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू हो, चाहे वो आप किसी जगह पे जॉब करें, चाहे कहीं पे आप अगर अपना खुद का कुछ काम करना चाह रहे हैं तो वो खुद का काम करें फर्म खोल के। तो डिफरेंट एवेन्यूज हैं, लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है इस चीज का कि कोई भी अगर बिजनेस खुलता है या कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर ओपन होती है, उसकी लॉन्च होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनको एक वेबसाइट जरूर चाहिए होती है और ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी जो भी उनकी जो सर्विसेज हैं। तो हम कम्युनिकेट करना सर्विसेज को वेबसाइट के थ्रू कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसकी डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैसे हम उसमें एक ई स्टोर भी खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का रिटेल का बिजनेस है तो रिटेल पे बिजनेस की वेबसाइट पे ऑनलाइन सेलिंग कैसे कर सकता है, उस वेबसाइट में कैसे फीचर लेकर आ सकता है ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो वो भी इसमें कवर करेंगे। आज का एजेंडा जानते हैं, बट बिफोर आई क्विकली स्टार्ट द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन आई वॉन्ट टू क्विकली कंफर्म दैट एम आई ऑडिबल टू यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस, काइंडली चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है आप सबको। Okay, great. Thank you so much for confirming. And please confirm that my screen is visible to you all. Screen visible hai? Kindly chat box mein confirm kar dein ki meri screen visible hai aap sabko. Okay, great. Thank you so much. All right. So, my name is Farhan Shahid Qazi and I am the Chief Visionary Officer at UXL. And let us go through the agenda. First, we'll be discussing about the program scope. Then we'll be discussing about the training content and learning outcomes. Further, we'll be discussing about the search engine optimization for e-commerce, analytics and conversion tracking, how to earn through freelancing projects, prerequisites to of certificate, or about UXL and facilitator profile. ये सारी वो चीजें हैं जो कि हम आज के अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और हम इस सेशन को बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रखेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर उसको पूछिएगा ताकि हम इसमें आपको बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। लेट अस नाउ गो थ्रू द प्रोग्राम स्कोप ऑफ दिस ट्रेनिंग। आई विल नाउ हैंड ओवर टू दिनेश हु इज द लीड इफेक्टिव ट्रेनर फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ही विल बी कंटिन्यूइंग द प्रेजेंटेशन फ्रॉम नाउ ऑन एंड इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द वेरियस बेनिफिट्स एंड वेरियस फीचर्स दैट वी आर कवरिंग इन टू दिस ट्रेनिंग। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस हियर एट यूएक्सएल एंड ओवर टू यू दिनेश। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिनेश मालिया है। मैं तकरीबन जो है वो 11 साल से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, हम जो है वो आज के एजेंडा ई कॉमर्स जो है वो आपको पता है हमारे पास सबसे ज्यादा, मतलब अब मैं बोलूँ कि हमारे पास अगर मुझे आगे निकलना होगा, ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स हैं तो उसमें ई कॉमर्स आपके पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव फील्ड है और ये ऐसा एक फील्ड है जिसपे अभी तक जो है वो लोगों की नजर इतनी गई नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके एजेंडा की तरफ। इस प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स को सीखेंगे, ठीक है, HTML, CSS, JavaScript। इसके बाद हम जो है ई कॉमर्स एसेंशियल, ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंस को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो यूजर सेंटर्ड डिजाइन, मतलब हम एक वेबसाइट होगी वो यूजर सेंटर किस तरह से होती है वो हम जानेंगे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव डिजाइन किसी भी वेबसाइट का वो हम इसके अंदर जानेंगे। उसके बाद वेबसाइट वर्डप्रेस SEO, ठीक है, और इमर्जिंग ई कॉमर्स ट्रेंड। अच्छा, इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो HTML, CSS और फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स है, ठीक है, वो देखेंगे हम। इसके अलावा हम जो है वो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, ई कॉमर्स डिजाइन प्रिंसिपल्स को देखेंगे, ठीक है, और जिसमें हम जो है UX UI, अभी UX UI क्या होता है वो भी हम जानेंगे। अच्छा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग किस तरह होती है वो भी हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन किस तरह बनाए जाते हैं, वर्डप्रेस और उसके साथ उसकी जो प्लगिंग्स हैं, ठीक है, वो देखेंगे। SEO फॉर ई कॉमर्स एनालिटिक एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है,
मतलब ये जो है वो एक नया हमारे पास एसईओ, एसईओ हम सबको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको ई कॉमर्स के साथ किस तरह जो है वो लगाएंगे वो भी हम इसमें देखेंगे, और इसके साथ फ्यूचर ट्रेंड्स, मतलब ई कॉमर्स के हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स की बात है, भाई इस प्रोग्राम से आप क्या गेन करेंगे, मतलब करने के बाद आप क्या गेन कर पाएंगे। सबसे पहले आप जो है वो गेन कर पाएंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। वो आप अपनी जो है वो वेब डिजाइनिंग, अब आप बोल सकते हैं आप वेब डिजाइनर है, वेब डेवलपर। कॉमर्स एलिमेंट्स, प्रोडक्ट किस तरह रखना चाहिए और किस तरह लगाए जाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम जो है वो इसमें प्रायोरिटाइज यूजर नीड, ठीक है, आपकी यूजर की क्या नीड है उसको हम प्रायोरिटाइज करना। अच्छा, SEO नहीं पता आपको, ओके। SEO बेसिकली जो है वो, देखो अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने जो है वो स्क्रीन पे आया, और मैं यहाँ से कोई भी चीज सर्च करता हूँ, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा दूँ पहले, और मैं वेबसाइट पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ AI, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया एंटर। अब मैंने एंटर कर दिया तो गूगल ने मुझे क्या करा, उस तो सर्चेस को दिखा दिया। ये देखे ना, आपके पास विकिपीडिया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इसमें आपके पास जो है वो ये वाला लिंक सबसे ऊपर आया। अब वो क्यों ऊपर आया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक तो क्लिक हो रहा है, दूसरा इसको सर्च इंजन, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जो इसको रैंकिंग में ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये सेकंड नंबर पे आया, तो इसके बाद इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जो इसको सेकंड रैंकिंग पे लेकर आया। तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक किस तरह करवाएंगे ये भी बताया जाएगा। मतलब अगर कोई, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कोई पान शॉप है, ठीक है, तो और उसका नाम है अब्दुल्ला पान शॉप, ठीक है, मैंने कर दिया एंटर, तो यहाँ पर अब्दुल्ला पान शॉप है भी, तो ये वाली पान शॉप सबसे ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी ने इसको एसईओ किया होगा। समझ में आ रही है अब एसईओ क्या होता है, समझ में आ रहा है? ओके, हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एसईओ करने, आप एसईओ इसमें सीखेंगे। इसके अलावा जो है वो वर्डप्रेस साइट इंक्लूडिंग ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे हम ई कॉमर्स का, मतलब आप वर्ड ऐसी वेबसाइट्स बनाएंगे वर्डप्रेस में, बहुत इजीली बन जाती है, ठीक है। इसका एक सेशन होगा, तो इसमें आप एक सेशन में पूरी जो है वो वर्डप्रेस बनाना और जो है वो इंटीग्रेट करवाना ई कॉमर्स के साथ, वो हम सब चीजें देख लेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम जो है वो स्टे अपडेट ऑन इमर्जिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री ट्रेंड्स, आपके जो आगे क्या आएगा ई कॉमर्स के अंदर वो भी हम इसमें देखेंगे। अच्छा, जो इसके टाइमिंग्स होंगे, टाइमिंग बहुत अच्छे टाइमिंग है आपकी, 6:30 से लेकर 9 बजे तक की टाइमिंग है, ठीक है, और डेज जो है वो वेनिसडे एंड सैटरडे, मतलब इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। जो वेनिसडे को क्लास लेंगे तो एक अच्छा एक टाइम मिलेगा इस सैटरडे तक का, कि अब जितनी प्रैक्टिसिंग है वो आप कर सके, मतलब आपको वेनिसडे भी टाइम मिलेगा, थर्सडे भी मिल सकते कर सकते हैं, और फ्राइडे को भी। तो सैटरडे को आएंगे तो आप एक नई चीज सीखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, तो ये बहुत अच्छी है, वरना एक दिन का टाइम होता है तो वो प्रैक्टिस हो नहीं पाती। अगर आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है आप अच्छे से प्रैक्टिस करके और नेक्स्ट क्लास लेते हैं, तो बहुत अच्छे से वो इफेक्टिव रहता है हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा जो है UXL के बारे में बताते चलूँ, UXL एक फिनटेक जो है वो ट्रेनिंग है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है फिनटेक ट्रेनिंग क्या होती है? फिनटेक की मीनिंग होते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमारा एक फिनटेक जो है फॉर्म है, और ये जो है वो कंसल्टेंसी भी करती है और जो है वो एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है फिनटेक के लिए। ठीक है, इसके अलावा उसका बेसिकली जो उसमें और आप जो है वो मांग करती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो बैंक्स हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, ठीक है, तो ये जो है एक फिनटेक फॉर्म है। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारा जो विजन क्या है हमारे पास, आप देखें ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है और आप जब कहीं काम करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा होता है ना, फिर आप वहां पर जाते हैं फिर सीखते हैं, फिर बहुत सारा टाइम तो आपको काम सीखने में चला जाता है। तो बेसिकली ये जो फर्क है ना, ये इतना लंबा जो गैप आ रहा है, तो बेसिकली हमारा जो मकसद ही ये कि इस गैप को थोड़ा सा कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए, ठीक। इसके अलावा हम जो है वो इंडोज हैं FIA से, जो कि पावर बी आई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके रजिस्टर्ड है हम सिप्वा से, जो कि सिंध टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जितने भी हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो सारे जो है वो सिटवा से एफिलेटेड है, हम भी जो है वो सिटवा से एफिलेटेड है। इसके अलावा TTB टेस्टिंग बोर्ड,
ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड जो कि एक इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, उससे भी हम एफिलेटेड है। इसके अलावा ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर हम नैपटेक है। नैपटेक एक इदारा पाकिस्तान का इदारा है, ठीक है, एक फेडरल का इदारा है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है यंगस्टर्स को, और इसके अलावा जो है बहुत सारी आईटी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इससे भी जो है वो उसके साथ हम मेंबर्स हैं। अब बेसिकली वो हमें क्या बता रहे होते हैं, वो आपके पास नई स्किल्स हैं, मतलब आपको आगे जो है वो कौन कौन सी स्किल्स होंगी, हमारे पास कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी जो है वो चीजें आ रही हैं, वो सारी जो है हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी बेस पे हम जो है वो कोर्स को लॉन्च करते हैं। फरहान काजी साहब बेसिकली ये जो है वो हमारे पास चीफ विजनरी ऑफिसर भी हैं, सीईओ भी हमारे इंस्टीट्यूट के और इनके बारे में हम जानते हैं कि भैया इन्होंने बीएस किया हुआ है अप्लाइड अकाउंटिंग में, इसलिए इन्होंने 500 फॉर्म्स के साथ इन्होंने काम भी किया हुआ है दुबई में। इसके अलावा 10 ईयर एक्सपीरियंस है लंदन एंड दुबई के साथ। अब बहुत सारे इन्होंने जो है वो अचीवमेंट्स की हैं। ऑब्जेक्शन करवा तो चलो दिनेश मालिया, इसके हम जो है मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड किए, लेकिन 11 साल का मेरे एक्सपीरियंस है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में और स्कूल्स में भी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। अभी मैं जो है वो एफिलेटेड हूँ करांची पब्लिक स्कूल और एवेसिना स्कूल से, और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, वहां से भी मैं एफिलेटेड हूँ। अच्छा बेसिकली मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे एज अ ट्रेनर जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो आप लोगों को जो है वो ना आए, और इसके लिए मैं जो है कि प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मेरे तक में बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर आए हैं जो अभी हमारे पास पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, अब हमारे पास मार्केट की आप बोल सकते हैं कि जरूरत नीड्स बन चुकी हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, दोबारा मैं एक दफा जो है वो एजेंडा को बताता चलूं, इस ट्रेनिंग में जो है हमारे पास ये कुछ एजेंडा है जिसमें सबसे पहले HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद JavaScript होगा। अगर आप ये कर लेते हैं, सिर्फ इतना पार्ट भी अगर आप कर लेते हैं तो आप वेब डिजाइनर बन जाते हैं, ठीक है। वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर में फर्क होता है। वेब डिजाइनर का मतलब ये होता है कि जितना भी ये फ्रंट एंड वाला काम होता है, मैं किसी भी एक वेबसाइट को खोलें, ठीक है, मैं यहां पर आते हैं और मैंने इस वेबसाइट को ओपन करा, UXL ट्रेनिंग, आई होप यू, आई डोंट नो कि क्यों नहीं खुला। ओके मैं इस वाली वेबसाइट को ओपन कर दूं, तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको फ्रंट एंड में नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारा ये ऊपर वाला पार्ट, ये आपका फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है और ये वेब डिजाइनर का काम होता है। तो अगर आप इतना वाला पार्ट कर लेते हैं, HTML, CSS, JavaScript का वेब डिजाइनर बन जाते हैं। इसके अलावा हम जो है ई कॉमर्स को देखेंगे, ई कॉमर्स एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके अलावा डिजाइन सेंट्रिक को देखेंगे, ठीक है, हमारे पास मार्केट में कौन कौन से डिजाइन आ रहे हैं, वेबसाइट से रिलेटेड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हम देखेंगे, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखो दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और एक होती है हमारे पास क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। तो इसमें दोनों को हम देखेंगे, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मतलब एक वेबसाइट पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि आपको डिजाइनर को बताना पड़ता था, और डिजाइनर जो 431 856 आपको जो डिजाइनर को बताना पड़ता था कि वेबसाइट आपको किस लिए चाहिए, आपको मोबाइल के लिए चाहिए, आपको टैबलेट के लिए चाहिए, आपको जो है वो पीसी पे चलानी, किस पे चलानी है आपको वेबसाइट। लेकिन अब आपको प्रोग्रामर को या डिजाइनर को बताने की जरूरत नहीं है, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये होता है कि एक ही वेबसाइट होगी, अगर मैं यूट्यूब की बात करें तो ये आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मोबाइल पे या टैबलेट पे आपको कुछ इस तरह की नजर आती है, यूं कुछ नजर आएगी। अगर मैं बोलूँगा भाई मोबाइल पे किस तरह नजर आएगी, तो ये देखें ये मोबाइल पे कुछ आपको इस तरह की नजर आएगी। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है, ये हमारे पास कहता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो ये भी हम इसको टच करेंगे इसमें, ओके। इसके अलावा हम जो है वो इसमें वर्डप्रेस को टच करेंगे। वर्डप्रेस हमारे पास मार्केट का अब सबसे ज्यादा पावरफुल टूल बन चुका है। वर्डप्रेस के अंदर आप अपनी सारी वेबसाइट, हर तरह की वेबसाइट्स आप बहुत इजीली जो है वो डेवलप कर पाते हैं, है ना। पहले अगर मैं पहले की बात बताएं तो इतना ज्यादा स्कोप नहीं था वर्डप्रेस का, लेकिन अब के इन्होंने इतने सारे हमारे जो है वो प्लगइन्स को ऐड कर दिया है कि
कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको जस्ट वर्डप्रेस भी आता है, आप इजी अपनी वेबसाइट डेवलप भी कर पाते हैं और डिजाइन भी कर पाते हैं। ठीक है, डिजाइन तो ये बहुत सारे खुद से दे देता है। इसके अलावा एसईओ, एसईओ बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। भाई मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, पान शॉप, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। अब ये देख रहे हैं पान शॉप, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि गूगल पे इन्होंने रैंक करवाया हुआ है। ठीक है, और रैंक कैसे होता है? रैंक के अंदर इसमें कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ हेडिंग्स इस्तेमाल हो रही है, कुछ हमारे पे एचटीएमएल इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ये रैंक कर जाता है ये वाली वेबसाइट। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन वो नीचे रैंक कर रही हैं, नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर रैंक हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने इसको रैंक करवाया नहीं है। तो रैंक करवाने के लिए हम गूगल प्लानर का भी इस्तेमाल करेंगे, किसके थ्रू? हमारी जो वेबसाइट रैंक कर जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम जो है वो इमर्जिंग ई कॉमर्स न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, एआई को लेते हैं, एआई को लेते हुए हम इसको जो है वो आगे लेते हुए चलेंगे। एआई का बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल हो चुका है। एआई के बगैर हम बोले कि हम सर्च भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, है ना। ये सारा का सारा जो गूगल वगैरह काम कर रहा है, ये सारा एआई पे काम कर रहा है। आप आज आज की डेट में अगर आपने किसी भी नाखून को देखा, ठीक है, आप गूगल पे गए, ये आपने जो यूट्यूब पे गए, आपने सर्च करा, ठीक है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको डिलीट भी करते हिस्ट्री से जाके, ऑटोमेटिकली वो आपको क्या दिखाना शुरू कर देगा, उसी नाखून को दिखाना शुरू कर देगा, या उससे रिलेटेड जो नाखून होंगे ना, उसकी तरह के जो गाने वाले बोलने वाले होंगे, जो है पढ़ने वाले नाखून होंगे, वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। क्यों दिखाना शुरू कर देगा? क्योंकि वो आपकी ऑप्टिमाइज इंजन में आ चुका है, ठीक है, आपकी आईडी से रिलेट हो चुका है। अच्छा, इसकी आउटकम्स, ये हमारे पास कुछ आउटकम्स होंगे इस पे। भाई आप जो है वेब डिजाइनर आप कहलाते हैं अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा आपके सिक्योरिटी मेथड्स, कौन कौन से सिक्योरिटी मेथड्स होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो इंट्यूटिव इंटरफेसेस, इंटरफेसेस कितने तरह के इंटरफेसेस होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लर्न आप कर पाएंगे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को, डेटाबेस मैनेजमेंट को, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होती है, और वेबसाइट टेक्नोलॉजीज को, जो नहीं हमारे पास ट्रेंड आ रहा है। इसके अलावा हम जो है इसमें डिजाइन करेंगे वेरियस डिवाइसेस के हिसाब से वेबसाइट को बनाना, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं ना मार्केट में, तो कुछ वेबसाइट ऐसी आपको बोलते हैं भाई ये सिर्फ मोबाइल में ही चलती है, ऐसे बोलते हैं ये भाई ये सिर्फ मोबाइल में ही चले, तो आप ऐसी हमें बना के दो। मोबाइल के अलावा अगर वो कंप्यूटर में लॉग इन होगी वो ठीक से काम नहीं करती। अगर आपने एक टाइम पे देखा होगा कि फेसबुक पे पहले अगर मैं फेसबुक को लॉग इन करूंगा मोबाइल पे, तो उसमें लिखा हुआ आता था, सब डोमेन आता था m.facebook, मतलब मोबाइल वाला फेसबुक, और उसका जो स्ट्रक्चर भी कुछ अलग ही आता था, अब ऐसा नहीं आता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है वो इसमें स्टे अपडेटेड ई कॉमर्स ट्रेंड, जो भी हमारे मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते रहेंगे ई कॉमर्स के, वो भी हम जो है वो इसको देखते रहेंगे। अच्छा, आप हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग हम हमारा 6:30 से 9 तक होगा, जिसमें आधा घंटा जो है हम प्रैक्टिस का भी देंगे आपको, सब करवाने के बाद 2 घंटा हमारी क्लासेस तकरीबन होती है, और आधा घंटा प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस कर पाए। अच्छा, इसकी जो डेज की बात करूँ, डेज भी बहुत इन्होंने हमने अच्छे रखे हुए हैं, वेनेसडे और उसके बाद सैटरडे, तो इसमें हम एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है वेनेसडे के बाद सैटरडे तक का, कि आप अच्छा खासा इसको जो है वो अपने कोर्स को कवर अप कर पाए। क्योंकि देखिए हमने तो 2 घंटे में सिखा दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने आप जाएंगे ना तो आपको एक तो दिन लग जाते हैं, वो सारी चीजें जब आप बना रहे होंगे, क्योंकि मैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी सिखा दूंगा, आप जब खुद से कर रहे होंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी जो मैंने सिखाया, उसके अलावा भी चीजें सीखेंगे और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको टाइम ही लगेगा, क्योंकि आप एकदम न्यू यूजर हैं। अच्छा, मैं आप डायरेक्टली कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाएगा इस कोर्स में, इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम एचटीएमएल को देखेंगे। अच्छा, एचटीएमएल क्या होता है? आपकी वेबसाइट की बुनियाद होती है, जैसे घर होता है ना, तो घर की अब मैं बोलूंगा दीवारें जो है ना, दीवारें हो गई, छत हो गई, ये हमारा एचटीएमएल है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी वेबसाइट की, तो इससे तो हम जा ही नहीं सकते दूर। इसके अलावा हम इसमें जो है वो एआई का फैक्टर भी लेकर आए हैं कि आप बहुत जल्दी, मतलब आपको इतनी सारी कोडिंग ना करनी पड़े,
आप जस्ट उसको प्रॉम्प्ट पे देंगे और आपको जो है पूरी वेबसाइट्स भी आपको बना के दे देगा। पहले तो हम कोर एचटीएमएल करेंगे, देन उसके बाद हम एआई पे भी इसको जाएंगे कि एआई किस तरह हमें वेबसाइट को डेवलप करने में काम आता है। और एआई पे आप तभी काम कर पाएंगे जब आपको कोर एचटीएमएल आती होगी। देखो लोग बोलते हैं भाई एआई पे हम सब कर लेंगे, एआई आपको बना के तो दे देगा लेकिन उसके बाद भी अगर आप डेवलपर नहीं है तो आपको बड़ा मसला आएगा। बिल्कुल वो आपकी तरह से, जैसे मुझे, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे एक वेबसाइट बना के दे जिसमें 10 बटन हो, उसने बना के दे दी। अब 10 बटन के मैं कह रहा हूँ भाई मुझे एक शेडो भी चाहिए, मुझे एक बटन का इस तरह चाहिए, एक बटन मुझे तीसरे नंबर वाला बटन ये होना चाहिए, इतनी सारी अगर आपको चेंजेस करनी है फिर आपको डेवलपर का काम आ जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम सीएसएस सीखेंगे। सीएसएस होती है ब्यूटीनेस के लिए, मतलब हम मैं बोलूं भाई मुझे किसी भी वेबसाइट में ब्यूटीनेस लानी है, खूबसूरती और रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब मैं ये वेबसाइट पे आया और ये जो इसमें खूबसूरती आपको नजर आ रही है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारा सीएसएस से हुआ हुआ है। ये आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ किसी और वेबसाइट पे, यहाँ पर आते हैं और लाइक मैं इस वाले पे चला गया। वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रही, किसी यूएक्सएल की वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही, मैं एक बार टेक्निकल डिपार्टमेंट को बुलाता हूँ। अनरीचेबल, आई थिंक इन्होंने लॉक्स लगे हुए हैं कुछ, इस वजह से नहीं हो रही, मैं इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो किसी भी वेबसाइट में जो आपको कलर्स वगैरह नजर आ रहे हैं, जो आपको बटन नजर आ रहे हैं, बटन की जो ब्यूटीनेस नजर आ रही है, वो सारा का सारा सीएसएस में काम होता है। इसके अलावा मैं बूटस्ट्रैप की बात करूँ तो बूटस्ट्रैप सीएसएस का ही जो है वो एक पार्ट होता है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या चीज होती है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसे मैं आपको बोलूँ भाई मुझे जो है ना वो 1500 ब्लॉग्स बना के दें, सही है, मुझे ईंटे बना के दें मुझे 1500, तो और मैं कह रहा भाई मुझे 4x6 की ईंट चाहिए। तो एक तो ये तरीका उसका कि आप जो है वो पूरा नापेंगे 4x6 और उसको जो है वो आप बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, आप एक फ्रेम तैयार करेंगे 4x6 का और सारा सामान उसमें डालेंगे और वो 1 मिनट में आपको बन के देख दे देगा। तो बेसिकली ब्रूट स्ट्रैप भी आपका यही काम करता है। इसमें आपको बनी बने सीएसएस की कोडिंग होती है, आपको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ब्रूट स्ट्रैप आपका डिफॉल्ट में रिस्पॉन्सिव होता है। तो इसमें आपको बेसिकली ये भी दिखाया जाएगा सीएसएस में किस तरह काम होता है, उसके बाद ब्रूट स्ट्रैप में बताया जाएगा कि आप अपने काम को जल्दी किस तरह करें, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क जस्ट यही नहीं है, टेलमेंट भी है, फाउंडेशन है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं लेकिन ये हमारे पास सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है। ठीक है, इस वजह से हम ये लेकर आए। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करें उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्यों इस्तेमाल होता है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो आपकी वेबसाइट के जो है फंक्शंस है। अब फंक्शन किस तरह होंगे, जैसे आपका घर है, अब मैं दीवारों की बात करूं तो वो हमारा एचटीएमएल में हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं भाई इसमें ब्यूटीनेस की बात करें तो वो आपका सीएसएस में हो गया। जो थर्ड चीज आती है हमारे पास, भाई मैं देख रहा हूँ मैंने बटन दबाया एसी ऑन हो गया, मैंने लाइट्स को ऑन कर दिया, मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया, मैंने पंखे लगाए और वो रिमोट से हम चला रहे हैं, या प्लग हमने जो है बटन पे लगाया, बटन हमने क्लिक करा वो ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो ये सारी जो प्लगिंग्स होते हैं ना, ये फंक्शंस, ये जावास्क्रिप्ट से आते हैं। इलेक्ट्रिक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वेबसाइट में तो इलेक्ट्रिक नहीं होता, वेबसाइट में देखा आपकी जो बटन होते हैं जैसे फेसबुक में आप जा रहे होते हो, हाँ फंक्शन, यस, जैसे आप फेसबुक में जाते हैं तो फेसबुक में आपने देखा होगा अगर आप नाम की जगह नंबर टाइप कर देंगे तो वो आपको वहीं पर ही रोक लेता है। तो क्यों रोकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की बैक एंड पे उसकी वैलिडेशन लगी होती है, ठीक है, इसी वजह से वो वहीं पर ही आपको रोक लेता है। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जावास्क्रिप्ट भाई हमारे पास सबसे ज्यादा, ओके अच्छा जावास्क्रिप्ट हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर मैं कम्युनिटी की बात करें तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, अगर आप देखेंगे फ्लो टेक पे भी और इसके अलावा जो स्टैक फ्लो पे भी और इसके अलावा बहुत सारी हमारे पे वेबसाइट है, मैं इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा, उन पे जावास्क्रिप्ट के सबसे ज्यादा कम्युनिटी है। अच्छा कम्युनिटी ज्यादा है तो उसमें क्या फायदा होगा आपको, अगर आप किसी चीज को कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो आप अपनी कम्युनिटी से पूछ सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई एक जो है वो क्लर्क होगा, क्लर्क की अगर बड़ी कम्युनिटी बनी हुई है तो कोई भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं मार्केट से रिलेटेड तो वो आपस में पूछ लेते हैं ना, कहीं भी मसला हुआ तो आपस में हल हो जाएगा। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज पे काम कर रहा है जिसकी कम्युनिटी कम है और वो अगर फंस गया तो कैसे पूछेगा वो,
तो जावा इसके मामले में ऐसी लैंग्वेज सबसे बड़ी कम्युनिटी इसके पास है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक, इजी टू लर्न है। और इसके अलावा एक और चीज भी हम लेकर आए हैं, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। अभी हमारे पास इसके फ्रेमवर्क के साथ एंगुलर जीएस आ गया है, रिएक्ट जीएस आ गया है। इसके साथ आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इसके साथ बना सकते हो। पहले तो ये जस्ट इस्तेमाल होती थी हमारे पास वेब एप्लीकेशन में, अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होती है। आपकी जो विंडो 10 बनी हुई है इसमें बहुत सारे फंक्शन हमने जावास्क्रिप्ट से डाले हुए हैं। उसके बाद हम ई कॉमर्स की तरफ आते हैं। ई कॉमर्स, हमें सबको पता है ई कॉमर्स क्या चीज होती है। भाई देखिए, कॉमर्स का क्या मतलब है? ट्रेड करना, कारोबार करना। ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा? इंटरनेट के थ्रू जो है वो कारोबार करना। अच्छा, ई कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। आप कोई चीज खरीदना बेचना, कोई आप सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट बना रहे हैं ऑनलाइन, है ना। आप गए फाइबर पे, गए आपको वेबसाइट बनानी है, आप फाइबर पे गए या आप फ्रीलांसर पे गए, ओके यस मार्केट प्लेस, आप फ्रीलांसर पे गए। और फ्रीलांसर पे जाने के बाद आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, आपने उसमें प्रॉम्प्ट, पूरा अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया, भाई मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है। तो वहां पर जितने भी फ्रीलांसर्स होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, मतलब वेबसाइट्स के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, और आपको जिसका भी प्रपोजल सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा आप उससे कॉन्टेक्ट करके, आप उसको पैसे प्रोवाइड करके आप उससे जो है वेबसाइट बनवा लेंगे। या अगर आप ही फ्रीलांसर होंगे, इंशाल्लाह हम बन जाएंगे कोर्स के बाद, तो आप क्या करेंगे, अपने फाइबर पे अकाउंट बनाना, ठीक है। लिंक्डइन पे अकाउंट, लिंक्डइन में आपको पता है लिंक्डइन पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जॉब्स बहुत आती है अगर आपको लिंक्डइन पे होगा अकाउंट, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आती है हमारे पास लिंक्डइन के लिए। अच्छा, ये भी हम जावास्क्रिप्ट भी, पहले तो हम कोर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम जो है वो ईआई के थ्रू देखेंगे जावास्क्रिप्ट किस तरह होती है, मतलब उसके बटन बनाना, मुझे बड़ी बड़ी कोडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने कोर जावा पे हमने काम करा, सीख गए किस तरह फंक्शन वगैरह बनते हैं, देन उसके बाद ये सारे फंक्शन हम एआई से बना रहे होंगे। और उसके बाद जो जो हमें चेंजेस करनी होगी, जैसे हम चेंजेस करेंगे, मतलब हमारे आधे घंटे का काम हमारा 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हाउ टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मिंग ई कॉमर्स, भाई ये मार्केट प्लेस आपको दे रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स में क्या होता है, ऑफर सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट। अच्छा, लोअर कॉस्ट में आपको सामान क्यों बेच रहे होते हैं? देखो, आपके फिजिकल स्टोर में आप एक, अगर आपने दुकान खोली हुई है, आपको दुकान का किराया भी देना है, आपने किसी वर्कर्स को रखा है, एक या दो वर्कर्स को रखा है, आपने उसको भी पैसे देना है, ठीक है। आपको बिजली का बिल भी पे करना है, अगर आपने बिजली कम से कम चला रहे हैं तभी उसका एक बिल तो आएगा ना, वो भी आपको पे करना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है अपनी दुकान में, है ना। अच्छा, उसका क्या होता है, सेकंड चीज सबसे खतरनाक बात ये, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, मतलब दुकान का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर तो शाम को 5 बजे तक, इसके बाद तो दुकान बंद हो गई। अगर आपके पास कस्टमर आता है 6 बजे तो उसको तो दुकान आपकी बंद मिलेगी, वो तो आगे चला जाएगा। तो ई कॉमर्स में हमारे पास एक ये फायदा होता है, आप 24 घंटे अपनी दुकान को चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो ए आई कैन बी यूज इन सेल्स एंड लीड्स। अच्छा, ए आई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैंने एक शॉपिंग मॉल खोला हुआ है, ठीक है, या मैंने एक बड़ा सा जो है वो कोई मॉल खोला हुआ है, या मैंने कोई बड़ी सी एक दुकान खोली हुई है, इसमें मैंने सारा जो है वो सामान रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना परचून की दुकान है ना, परचून बोलते हैं ना, आई थिंक, उसमें हमने सारे सामान रखे हुए हैं, उसमें सर्फ भी रखा हुआ है, उसमें हमने दालें भी रखी हुई है, उसमें हमने चावल भी रखे हुए हैं। अब एक कस्टमर आता है, मुझे नहीं पता वो मेरी दुकान पर आया, चक्कर लगा के चला गया, उसने कुछ भी लिया नहीं, या कोई एक आधा प्रोडक्ट उठाया उसने और वो खरीद के चला गया। अब लेकिन उसने सर्फ भी उठाया होगा, उसने चेक करा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी सर्फ पे नजर पड़ी थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी सर्फ पे नजर पड़ी, वो जो इंटरेस्टेड होगा तभी तो उसकी सर्फ पे नजर पड़ी, या कोई हमने नया प्रोडक्ट लेकर आया उसकी नजर उस पर पड़ी, उसने उसको हाथ में लिया या नहीं लिया, उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। भाई अगर मैंने देख भी लिया उसकी इसमें नजर पड़ी और वो चला गया मार्केट से, मतलब मेरी दुकान छोड़ के चला गया, तो उसको ट्रैकिंग बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये काम आप ऑनलाइन कर सकें, आपका जो है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं दराज में गया, दराज में मैं इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से आइटम्स पे गया, मैं कौन कौन से आइटम पे जा रहा हूँ, तो दराज मुझे जो है वो ट्रैक करेगा कि मैं कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेन को देख रहा हूँ तो दराज ने देख लिया कि भाई ये पेन इंटरेस्टेड है, तो जो नए नए जो पेन आएंगे मार्केट में वो दराज पे जैसे रजिस्टर्ड होंगे वैसे मुझे उसकी नोटिफिकेशन भेज देगा। और जाहिर सी बात है, एक
जो है वो हमारे पास साइकोलॉजी होती है कि अगर आप चीज को बार बार देखते रहेंगे ना, आप उसको लेंगे भी फिर एक टाइम पे, समझ आई बात। एक हमारे पास एक ये शॉपिफाई, शॉपिफाई भी इंशाल्लाह हम इस बोर्ड में करेंगे। शॉपिफाई इंशाल्लाह एक सेशन हमारा शॉपिफाई का अभी भी मैंने रखा हुआ है, जैसे आपसे पहले वाला बैच था, बहुत इजीली बन जाते हैं। शॉपिफाई और वर्डप्रेस में ये फर्क होता है, शॉपिफाई को आप जस्ट हर महीने पैसे दे रहे होते हैं और इसमें आप एफिलिएटेड मार्केट भी हम करवाना देखेंगे कि हम एक शॉपी। और आपको पता है अब हमारे पास मार्केट में अगर मैं वेब डिजाइनर की बात करूं तो वहां पर अलग से लिखा होता है शॉपिफाई डेवलपर, ठीक है। और शॉपिफाई में सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि मैंने वहां पर एज अ शॉपिफाई पार्टनर बन गया, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 15 वेबसाइट्स बना के दे रहा हूँ, $29 होता है, तो $29 में से अगर मैं वर्डप्रेस में उसको वेबसाइट बना के दे दी वन टाइम में, मैंने से पैसा ले लिया सब पूरा, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई में क्या फायदा होता है, शॉपिफाई में अगर मैंने उसको वेबसाइट बना के दे दी, ठीक है, तो हर महीने जैसे ही वो $29 पे करेगा, उसके $29 का 20% मुझे मिलेगा। तो अगर मैंने 10 वेबसाइट्स बनाई है तो मुझे जो अच्छा खासा एक मुनाफा होता रहेगा हर महीने, ठीक है। तो आप जितने भी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस है, वहां पर अलग से आपके पास आता है शॉपिफाई डेवलपर, ठीक है। वहां पर HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह तो मांगते हैं, शॉपिफाई डेवलपर का भी आवाज इतना ही ज्यादा जो है चल रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक आता है शॉपिफाई का कि शॉपिफाई में जो है वो जो क्या कहते हैं उसमें जो पेमेंट मेथड्स हैं वो पाकिस्तान में इतने चलते ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे जाके जो हम इसको देखेंगे, इंशाल्लाह शॉपिफाई भी इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये मसला हल हो जाएगा कि जो पेमेंट मेथड वाला मसला है, क्योंकि जो पेमेंट मेथड में जितने भी दिए हुए हैं वो इंडिया में तो काम करें, क्योंकि इंडिया आपको पता है बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान अभी इतना बड़ा मार्केट प्लेस बना नहीं है। तो हमारे पास इजी पैसा है और जो है वो जैज कैश है और इवन बैंक भी वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, आगे जाके इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ये भी हमारे पास बड़ा जबरदस्त चीज है। आप बोल के आप भाई को म्यूट करिएगा, मुझे थोड़ा सा शोर हो रहा है। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होगा, हम खुद बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है, आपको अलग से IT सपोर्ट बिठाने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने अपना एक वर्चुअल मैंने जो है वो पूरा शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे मैंने पूरे स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे अलग से जो है वो कुछ भी चीज देने की जरूरत नहीं है, मैंने जो है कि वर्चुअल असिस्टेंट ले लिया है, अब वो खुद ही जवाब दे रहा है, वो पूरा का पूरा AI बेस्ड है ना। अब मुझे फिजिकल किसी बंदे को अगर मैं बिठाता जो कि मेरे फोन अटेंड कर रहा होता तो मुझे कितना खर्चा हो जाता, कम से कम उसको 25-30 हज़ार रुपये सैलरी दूंगा। दूसरा क्या, उसको टाइम देना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम में आएगा भाई 9 से 5 तक वो काम करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। अगर उसके बाद कोई कॉल्स आते हैं वो क्या करेंगे, तो वर्चुअल असिस्टेंट भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा चैट बॉट तो बहुत ईजी हो गया। चैट बॉट क्या होता है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं किसी भी दराज वगैरह पे, वो आपको खुद ही देता है मे आई हेल्प यू, फिर आप बोलते हैं भाई मुझे जो है मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल के लिए बोलता है भाई आप लिंक देते हैं, भाई आप किस पे जाके क्लिक करते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मुझे जो है लेटेस्ट वाला मोबाइल चाहिए, लिंक नया आता है, आप कहते हैं भाई मुझे इस जो है वो आपके IT सपोर्ट वाले से बात करनी है, तो फिर तो बोलते हैं अच्छा सर आप जो है वो इस टाइम पे बात देखो करिए, सारा काम AI पे, ठीक देखो है। चैटबॉट भी AI पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास है विजुअल सर्च इंजन, वर्चुअल एक सर्च इंजन भी हम जो है वो जैसे SEO की तरह ही काम कर रहा होता है, और ये हमारे हम हमारी वेबसाइट पे देख रहा होगा कौन बंदा कितनी देर रुक रहा है और वो कौन कौन से प्रोडक्ट को देख रहा होता है, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ये पूरा हमें जो है वो बिजनेस मैप बना के देगा कि हम कितने जो है वो आगे जा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक दफा मोबाइल को देख लिया दराज पे जाके, दराज आपकी जान नहीं छोड़ेगा, आपको मोबाइल बहुत सैमसंग देख लिया तो सैमसंग की जो भी नया फोन आएगा आपको दिखाएगा, तभी जैसे ही आप उसको लॉग इन करेंगे नोटिफिकेशन में आ जाएगा, या आपके फोन में अगर नोटिफिकेशन ऑन रखा हुआ है तो फौरन कोई नई चीज आएगी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये भी काम आप जो है वो AI से कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स की मार्केट देखें तो ई कॉमर्स की बहुत बड़ी मार्केट, ये जस्ट US की मार्केट की बात कर रहे हैं, पहले 2018 की अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट थी हमारे पास 982 बिलियंस पे, ठीक है। उसके बाद ये जाते 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 अब ये किस पे आ चुकी है, 2027 पे ये आ जाएगी 3,436 ट्रिलियन पे, बहुत बड़ी मार्केट। अभी भी
सिर्फ ई कॉमर्स की मार्केट 2.2 ट्रिलियन की है, पता है ना ट्रिलियन कितना होता है, खरबों में चला जाता है, वो भी डॉलर्स में खर्च में। बहुत बड़ी एक मार्केट है, और ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्दी, पाकिस्तान में क्या होता है अपने मोबाइल में भी, हम 3 या 4 साल में एकदम में बूम हो गया। तो इसी तरह ये जो मार्केट है ना ई कॉमर्स की, ये भी आप देखेंगे आगे आगे जो 3 या 4 साल में एकदम ये बूम कर जाएगा, बहुत जल्दी से बूम कर जाएगा। वालेकुम सलाम, काफी लेट आए। अच्छा, उसके अलावा हम ई कॉमर्स की बात करें और ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें, तो ऑनलाइन स्टोर की खपत भी आप ये देखें बढ़ती जा रही है, और एक टाइम आएगा, अगर मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ, आप दूध भी जो है वो ऑनलाइन स्टोर से मंगवा लेंगे। क्यों? पेट्रोल इतना महंगा होगा, आप बोलेंगे मैं खुद लेने जाऊंगा तो बहुत मुझे दूर पड़ जाएगा, मेरा जो है 30-40 रुपए का पेट्रोल जो है वो चल जाएगा। इससे अलावा मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया, ऑनलाइन मैंने भान लिया, 10 रुपए में ऊपर देता हूँ उसको और वो मुझे दे के चला जाता है। अच्छा, उसको भी क्या फायदा है, वो आपको अकेले का तो नहीं लेकर आएगा, आपकी पूरी कॉलोनी का लेते हुए आएगा, और वो जो 10-10 रुपए करते हैं उसके बाद भी अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जाके सारा का सारा ई कॉमर्स पे जाने वाला है, दैट्स व्हाई हम जो है ई कॉमर्स को लेकर आए। अच्छा, इसके अलावा हम जो टाइप ऑफ ई कॉमर्स की बात करें, बाई पार्टिसिपेंट, आपने ये बात सुना होगा B2C और B2B। अच्छा, B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये होता है भाई, मैं जो है ना एक एक बूट बनाने वाली कंपनी है, मैं उसको चमड़ा प्रोवाइड करता हूँ, बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होगा, वो चमड़ा बनाने में फैक्ट्री जो होती है वो मुझसे चमड़ा लेकर बूट बनाकर और वो जो है वो आगे प्रोवाइड करती है, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो वो B2C है। मैं जो कर रहा हूँ वो B2B कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो जो कर रहे हैं वो B2C कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पार्टिसिपेंट की बात करें, दूसरा होता है बाय गुड्स, एक फिजिकल गुड्स होता है हमारे पास। फिजिकल गुड्स में क्या आता है, आप फिजिकल कुछ चीजें बेच रहे होते हैं, मोबाइल बेच रहे हैं आप, ठीक है, टूथपेस्ट बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, ये फिजिकल चीज है। अच्छा, डिजिटल गुड्स का क्या मतलब होता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ा रहे हैं किसी को, आप ऑनलाइन किसी को वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं, आप ऑनलाइन फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जो है वेबसाइट एडिटिंग करके दे रहे हैं, आप ऑनलाइन जो है वो इनका पोर्टल को ही संभाल रहे हैं। ठीक है, आप 5-6 पोर्टल होता है ना, बहुत सारी सर्विस ऐसी होती है। अच्छा, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, आप बैठे बैठे जो 3 से 4 घंटे लगा के आप अच्छा खासा अर्न कर पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल डिजिटल गुड्स आप नहीं बेच रहे हैं, आपको सर्विसेज ट्यूशन प्रोवाइड करें तो वो सर्विसेज में सिर्फ आता होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करें, बाय बिजनेस मॉडल, ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप अमेजोन पे चल रहा है ड्रॉप शिपिंग में। अच्छा, वेयर हाउसिंग, आप एक बहुत बड़ा आपने स्पेस बनाया हुआ है, आपने जो इसको किराए पे दिया हुआ है, दराज वालों को किराए पे दिया हुआ है, दराज वाला क्या करता है आपको माल यहाँ पर, मतलब कोई भी उसका दराज का प्रोडक्ट होता है वो आपके वेयर हाउस में आता है, सेफ होता है, आप उससे जो है किराया उसका ले लेते हैं, आप बोलते हैं भाई एक प्रोडक्ट का मैं इतना चार्ज करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वाइट लेबलिंग और प्राइवेट लेबलिंग भी होता है, आप माल किसी का उठा के आप अपना ब्रांड लगा के और उसको जो है वो आगे निकाल देते हैं। दूसरा क्या होता है, आप किसी को माल बेचते हैं वो अपना ब्रांड बना के, फॉर एग्जाम्पल भाई मैं जो है ना वो मोबाइल बना रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मैं अपने मोबाइल ब्रांड से मोबाइल बनाऊंगा चलेंगे नहीं, सैमसंग के बहुत अच्छे चल जाएंगे सैमसंग के नाम से, तो मैं सैमसंग वाले को अपने मोबाइल बेचता हूँ, सैमसंग अपना अपना नाम डालते हैं और वो जो है वो बेच देता है आगे। ठीक है, तो किसी ब्रांड का नाम लेना है या किसी नाम ब्रांड का किसी ब्रांड को बेचना और वो अपना नाम लगा के आगे बेचते हैं, तो ये भी हमारे पे एक बिजनेस मॉडल है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, भाई इसके बेनिफिट तो सबसे ज्यादा ये है भाई, इजी टू टाइम है, आप कभी भी जो आते हैं, और मतलब फॉर मेरा ऑनलाइन स्टोर है तो कस्टमर कभी भी आएगा, रात को 3 बजे भी आ सकता है, 4 बजे भी आ सकता है, 5 बजे भी आ सकता है। ठीक है, उसने क्या करा अपनी क्वायरी छोड़ दी, मैंने सुबह उठा मैंने देखी हाँ भाई ये इसको ये चीज चाहिए, और मैंने उसको एक से उसमें टाइम ही लिखा हो भाई, 1 से लेके 3 दिन का टाइम होता है, तो मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम है, मैं आज भी पहुंचा सकता हूँ उसको, और बहुत सारे मॉडल आपको चल रहे हैं। मतलब मेरे दोस्त है वो नाज दोस्त है, वो क्या करता है, पहले मैं भी करता था एक टाइम पे, तो मैं क्या करता है, एक मैंने पूरी वेबसाइट बनाई थी और मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना कंप्यूटर से रिलेटेड वो पूरा सेल आउट करता था, और कोरोना में मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चला था। वो क्या करता है, लोग आते थे ऑनलाइन मंगवाते थे चार्जर वगैरह, और क्योंकि रात को हम लोग क्या करते थे, उसकी शॉप थी मेरे दोस्त की, तो रात को क्या करते थे वो खोलते थे शॉप और हम क्या करते थे सामान निकाला और जो है वो सुबह उसको सेल आउट कर दिया। तो अगर चार्जर जो है वो पूरे 500 का चार्जर था, अगर आप उसको 1500 का भी बेचेंगे ना तो कोरोना के टाइम में आराम से लोग लेते, 2000 के भी बेचेंगे लोग ले लेते।
इतना ज्यादा जो है बिजनेस चला था हमारा। ओके यस, ये भी बताया जाएगा, ये दराज पे तो बहुत इजी आप अकाउंट बना लेते हैं। मैं एक सेशन रखवा लेंगे तो सारा का सारा जितना भी फ्रीलांसिंग वाला पार्ट है ना, वो एक ही सेशन में हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपका जो है दराज भी होगा, जिसमें आपका जो है अमेजोन पे अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो हमारे शॉपिफाई है, इसके अलावा हमारे पास जो शॉपिफाई में एक टाइम लग जाता है, एक पूरा एक सेशन चाहिए होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फ्रीलांसर, ये भी हमारे पास बहुत बड़े है। अभी तो खैर फ्रीलांसर इतना नहीं चलता, फाइबर आ चुका है उसकी जगह, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलेगा। देखिए, असल में अगर यूएक्सएल की बात करें तो यूएक्सएल के अंदर आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मैं, क्योंकि मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो वहां पर कोर्स के टाइमिंग जो होता है, ड्यूरेशन बहुत लंबे लंबे होते हैं। मतलब अगर मैं यही कोर्स मैं जो है वो बाकी जगह में पढ़ाऊंगा, खैर ये वाला कोर्स नहीं, ये यूनिक है, और मैं, मेरी कोशिश रहती है कि हर जगह पे जो है वो अलग अलग कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाए। तो अगर वो ये जब यही कोर्स अगर मैं दूसरी मार्केट प्लेस पे होता तो तकरीबन 4 महीने का टाइम होता, 6 महीने का टाइम होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं एक चीज करवा देता, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे लगा देता, और रोज की आई थिंक दो दो घंटे क्लास। अगर आप लोकल इंस्टीट्यूट, मैंने खैर लोकल इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाया है, तो वहां पर क्या हुआ होता था, ये सीएटी का कोर्स था हमारे, वो सीएटी का कोर्स 6 महीने चलता है, और उसमें क्या होता है, मैंने एक से दो चीज सिखा दी, मतलब 15 या 16 मिनट की क्लास ली, और वो टोटल क्लास का टाइम 1 घंटा हुआ करता था, और वो बच्चा 1.5 घंटे प्रैक्टिस करके वो जा रहा है घर पे। अच्छा, उसमें नुकसान क्या हो रहा है, वो बहुत कम चीजें सीख पाता है। अब हमारे पास यूएक्सएल एक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कर रहा है, दूसरा क्या है कि भाई आप बोल रहे हैं सर आप बहुत जल्दी जल्दी सिखा रहे हैं, भाई मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद हमारा ये जो सेशन है पूरा वो एलएमएस पे भी पड़ा हुआ है। आप जैसे फ्री हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप कोई चीज भूल गए, जो मैंने बताई आपने एलएमएस पे उसको लॉग इन किया और आपने पूरी रिकॉर्डिंग देख ली, जहां और मतलब आपने वहां पर रोके उसको दोबारा देख लिया, ठीक है, तो वो ऐसा कभी मसला नहीं आता। और दूसरा जो हमारा टाइमिंग है ना, एक वेनेसडे, उसके बाद डायरेक्ट सैटरडे आ रहा है, तो इसमें बीच में आपको टाइम भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा, इसके बाद ग्लोबल रीच, आपकी सिर्फ ई कॉमर्स की वजह से बहुत सारे बिजनेस ऐसे हो गए जो पूरी दुनिया में फैल गए। सिर्फ ई कॉमर्स अगर नया होता तो वो इंडिया में लिमिटेड हो जाता। इंडिया, मैं यहाँ भी पाकिस्तान की बात ही करूंगा, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में एक कंपनी है नेटसोल नाम की, नाम सुना है आप लोगों ने, नेटसोल। हम जितना भी सारा सामान चाइना से लेते हैं, लेकिन ये एक वाहिद कंपनी है जो आईटी के सॉफ्टवेयर बेचती है चाइना में। मतलब चाइना कितना आगे निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटी के सॉफ्टवेयर जो है नेटसोल से वो सर्विसेज ले रहा होता है, और वो पाकिस्तान की कंपनी, हमें उस पर जो है प्राउड करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ग्लोबल रीच, आप आराम से जो है पूरी दुनिया में अपना कोई भी सामान, आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप फाइबर पर अकाउंट बना हुआ है, आप बाहर लोगों को बेच रहे होते हैं सर्विसेज को, और आपके अगर 3-4 अगर क्लाइंट बना लिए मार्केट में, एक टाइम तक काम कर लिया, शुरू में देखा, अगर आपने कोई भी शॉप भी खोली है ना और आपके बराबर मार्केट में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पुराने कस्टमर है वो उनके पास ही जाएंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ कस्टमर होंगे वो उनसे तंग आ चुके होंगे, है ना, क्योंकि वो सर्विस अच्छी नहीं दे रहे होंगे, तो वो गिरते घूमते घूमते आपके पास आ गए, आपसे अच्छी सर्विस मिली तो वो आपके कस्टमर बन गए। तो शुरू में ये होता है, लोग बताओ क्या मसला आता है, लोग कहते हैं भाई मैं एकदम से जाऊं और एकदम से मार्केट में छा जाऊं, ऐसा तो नहीं होता ना, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको साल लगाना पड़ता है, शुरू में एक भी आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। और मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे आप मार्केट में फॉरन जो है वो आ भी सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट के बाद आप एक डोमेन लेंगे, डोमेन के बाद सब डोमेन लेंगे, 5-6 वेबसाइट्स बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये साहब हैं और ये जो है वो आते हैं, भाई मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, आपको पता है ये ई कॉमर्स का हमने नाम क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप 90% वेबसाइट देंगे सारी ई कॉमर्स में, इस वजह से मैंने इसके ई कॉमर्स नाम रखा हुआ है। अब ये साहब आया, अब ये कह रहा है भाई मुझे ना ई कॉमर्स एक वेबसाइट बनानी, और उसका ये मुझे पूरा प्रॉम्प्ट डाल के दे दिया। मैंने क्या करा, मेरे पास ही ई कॉमर्स की वेबसाइट पहले से मौजूद है, मैंने क्या करा, इनको जो है वो एक पूरा प्रपोजल बना के दिया, उसमें पैसे वगैरह सब चीजें लिख के दी, और मैंने अपनी वेबसाइट भी लगा के इनको दे दी, तो ये खुश हो जाएंगे यार इसको काम आता है, वरना वहां पर बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो आप देखेंगे, पूरी वेबसाइट भेजेंगे डोमेन के साथ, तो बोलेंगे नहीं यार बंदे को काम आता है, और वो देख के खुश भी होगा और वो आपको काम भी देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, यहां पर कुछ ये प्रॉब्लम भी है, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, कम से कम 1 साल लग जाता है,
देखो एक साल तो आपको हर फील्ड में लग जाता है, आप सीखने में भी टाइम लगता है, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं वो भी 4 साल की यूनिवर्सिटी होती है। आप बोले भाई मुझे एक साल में करवा दो, मैं जो है वो 5वें दिन से जो है वो काम करना शुरू करूँ, ऐसा नहीं होता, टाइम तो लगता है इसमें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान के अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स है ई कॉमर्स के साथ, एक तो डिलीवरेंस, आप मंगवा दें कुछ आता कुछ है, ठीक है, तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हम जो बोलेंगे वही हम जो है वो डिलीवर करेंगे। कस्टमर सर्विसेज 2 दिन की बजाय 4 दिन में आ रही होती है, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज भी खराबी हैं। अच्छा प्राइस लिस्टिंग, आप देखेंगे 4 वेबसाइट है, चारों में अलग अलग प्राइसेस, सेम चीजें बेच रहे हैं, 4 में अलग अलग जो है वो प्राइसेस आ रहे हैं। रिटर्न पॉलिसीज पे भी बहुत इश्यूज हैं, वो आपको शुरू में बोले भाई हम रिटर्न आप करवा दें, तो जब रिटर्न करवाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो है मसले मसाले कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की रेंज यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल है लेकिन वो रेंज लगी भी नहीं होती वेबसाइट्स में, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी बहुत बड़ा मसला है, जो आपको दिखाया जा रहा होता है, मतलब आपको दिखा रहे होंगे और चीज भी आपको वो भेजेंगे, लेकिन आप देखेंगे प्लास्टिक में जो आपको दिखाया गया था वो प्लास्टिक और जो आपके पास चीज आई है उस प्लास्टिक में फर्क है ना, अंदर तो पता नहीं क्या फर्क हुआ लेकिन देखने में भी हाथ में उठाने के साथ भी फर्क है जो उसमें, क्योंकि वो अच्छी पिक्चर लगी हुई थी और वो आपको दिखाया गया था, इम्बोज वगैरह हुआ था, तो पता चल जाता है हमें कि अच्छी कंपनी का सामान है या जो है वो लोकल कंपनी का सामान, इम्बोज से पता चल जाता है, पता नहीं जो इम्बोज हुआ था प्लास्टिक में जिसमें आप यूं यूं करते हैं तो आपको फील हो रहा होता है, तो इम्बोज से हमें पता चल जाता है। डोमेन कैसे लेंगे, यस वो भी बता देंगे, डोमेन कैसे लेंगे, हम जो यूज करेंगे वो होस्टिंगर का इस्तेमाल करेंगे डोमेन के लिए, ठीक है। होस्टिंगर का क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि होस्टिंगर आप जो है इजी पैसा से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरों की बात करूं, डोमेन जो है वो गोडेडी की बात करें या नेमचीप की बात करें, तो उसके अंदर आपका कार्ड मांग रहा होता है, तो हम इसके अंदर जो है वो अपना इजी, यस इजी पैसा से भी हम होस्टिंगर से ले सकते हैं। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा इसके अलावा हम जो है वो पाकिस्तान में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री देखिए बहुत तेजी के साथ फैल रही है, और हमारे पास फिस्कल ईयर की बात करें 2016 की भी बात करूं, ठीक है, उसके बाद 2017 और ज्यादा बड़ी 51 जो है अरब रुपए की हो गई, ठीक है, उसके बाद 99 पे चला गया और अब जो है वो 20 में ये 15 बिलियन पे जा चुका है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती जा रही है। और डायरेक्टली ये आप देखिए यहाँ पर कर बना हुआ आ रहा है, मतलब ये डायरेक्टली ऊपर ही जा रहा है, नीचे की तरफ अभी तक नहीं आया ये। अच्छा हम UX एंड UI डिजाइन की बात करते हैं, हम एड में मेंशन द आफ्टर ब्रोस यस। अच्छा हमारे पास UXL बेसिकली फॉर्म है जहां पर जॉब्स वगैरह मैं खुद भी जो है वो आपको बताता रहूंगा, लेकिन देखिए बात वही है कि आपने प्रैक्टिस कितना करा हुआ है, मैं तो आपको सिखाया, आपने प्रैक्टिस कितना करा हुआ है फिर आपको काम कितना आता है। हम आपको इंटरव्यूज पे तो भेज सकते हैं लेकिन आप किसी को ये अप्रोच नहीं कर सकते ना कि भाई आप इसको रखो ही रखो, अगर मेरा खुद का बेटा भी होगा और उसको काम नहीं आएगा तो मैं उसको घर पे बिठाऊंगा, मैंने कहा भाई उतना उसको रखूं और सर का दर्द है, इससे मैं किसी को पैसे देकर काम अपना करवाऊं, मेरा बिजनेस रुक रहा है, ठीक है, तो काम सीखना आपकी जिम्मेदारी है, सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा UI एंड UX डिजाइन, अच्छा ये पहले हमारे पास ये वाली टर्म नहीं थी UI एंड UX डिजाइन, ठीक है, वो पहले क्या करता था, हम जो है वो एक स्केच बनाया करते थे कॉपी पेंसिल पे जो डिजाइनर हुआ करता था, और वो बताया करता था यहाँ पर हमें ये वाला बटन चाहिए, यहाँ पर हमें ये वाला बटन चाहिए, यहाँ पर हम इस तरह का जो है वो डिजाइन चाहिए। अब हमारे पास ऐसा नहीं है, आपके पास अलग से एक फील्ड आ चुकी है UX UI डिजाइन, उसमें आपको पूरा जो है फिग्मा पे और Adobe XD पे, हम फिग्मा पे काम करें, Adobe XD पे पूरा आपको डिजाइन बना के दे दिया जाता है एज अ डिजाइनर। अगर मैं डिजाइनर हूं तो मैं पूरा डेवलपर को पूरा डिजाइन बना के दूंगा, और फिर डेवलपर उस पर क्या करेगा, उस पर एंड में उस पर कोडिंग सिर्फ करेगा, तो वो देख लेगा कि डिजाइनर किस तरह चाहिए, उसमें पूरा मतलब पूरा ब्लू प्रिंट बना के दे देंगे, कलर ऐसे होने चाहिए, और इसका काम क्या होता है, UX का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, है ना, यूजर वो एक्सपीरियंस UX है, UX जो है वो यूजर एक्सपीरियंस है, मतलब एक बंदा आएगा आपकी वेबसाइट में किस तरह का एक्सपीरियंस करते हुए जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा फेसबुक जब स्टार्टिंग में आया था उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे, अब वो सारे ग्लिचेस हटते जा रहे हैं, अच्छा बहुत जल्दी वो जो है वो आईडी हैक भी हुआ करती थी, किस तरह, उसमें कोई भी चीज सिक्योरिटी नहीं था, आपने उसको फॉरगेट पासवर्ड किया, आपने उसको अपना नंबर डाल दिया, वो नंबर पे जो है वो आपको कोड भेज देगा, आपने कोड भेजा और कोड डाला
और वो आईडी खुल जाती थी। और पहले बहुत सारे इस तरह के ग्लिचेस थे, जीमेल अकाउंट के साथ भी थे, याहू के साथ भी थे। अब उन्हें सब चीजें ये ग्लिचेस को हटा दिया, ठीक है। तो अपडेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूएक्स और यूआई डिजाइन का मतलब ही होता है कि आपका यूजर आपकी वेबसाइट में आएगा कितनी देर वो टिकेगा। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी खूबसूरत बनी हुई है, मतलब आपने यूएक्स बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी दी हुई है, हर चीज दी हुई है, लेकिन अगर वो हैंग होती है, मतलब आते के साथ ही उसमें ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो यूजर उस पर रुकेगा नहीं। उसमें बराबर वाली वेबसाइट होगी, मुझे जो है वो एक रिजल्ट देखना है, और मैं हमारी वेब पे चला गया, है ना, हमारी वेब है, मैं हमारी वेब पे गया और हमारी वेब पे मुझे टाइम ज्यादा लग रहा था, मैं उस पर रुकूंगा नहीं, मैं उससे बराबर वाली कुछ ऐसी जैसी कोई वेब होगी मैं उस पर चला जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, आप ईआई के थ्रू, पहले तो हम मैनुअल करना देखिए, देखो हर चीज मैनुअल करना बड़ा इंपॉर्टेंट था शुरू से। अगर आप ईआई पे चले जाएंगे और ईआई को जनरेट तो करके दे देगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको चेंजेस कैसे करना है, वो आपको नहीं आती होगी। तो पहले हम कोड देखेंगे, देन उसके बाद हम ईआई की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या क्या फायदे होते हैं भाई, यूजर सेंट्रिक अप्रोच होती है इसमें, ठीक है, यूजर को क्या चाहिए आप वही दे रहे होते हैं। क्लियर इंटुटिव डिजाइन होते हैं इसमें, सिंपल डिजाइन होते हैं। आपने देखा आजकल अपने एप्पल की बात करें तो उसका एप्पल का जो डब्बा है ना, जिसका बॉक्स है, वो एकदम सिंपल रखा हुआ है उन्होंने, कलर वगैरह भी एकदम सिंपल रखता है, ठीक है। तो आपने देखा आपका यूजर है कौन सा वाला, अगर मार्केट में सारे रंग बरंगे तो आप थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरेक्टिव इंप्रूवमेंट, ठीक है, कंटिन्यूसली इसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। आपको यूजर से जो जो एक्सपीरियंस मिलता हो रहा होता है, यूजर आपको फीडबैक देता है, आप उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। आपने देखा जितनी बड़ी वेबसाइट है वहां पर फीडबैक का एक कॉलम मौजूद होता है, आप उसमें फीडबैक देते हैं, भाई इसमें ये मसले आ रहे हैं मुझे। अच्छा, एक्सप्लोरिंग ए आई कैन इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, उसके बाद हम ए आई की तरफ भी चलेंगे अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद हम जो है वो सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे, मतलब मेरे पास एक सर्वर साइड है, उसमें चेंजेस किस तरह करते हैं, पता है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या फर्क होता है। मैं क्लाइंट साइड की बात करूं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की बात करें या क्लाइंट साइड वेबसाइट की बात करें, तो आपको सीएसएस का डेटा मिल जाता है किसी भी वेबसाइट पे। यहाँ पर मेरी वेबसाइट नहीं चली, आई डोंट नो क्या मसला आ रहा है इसमें। ओके, मैं चेक करता हूँ इसको। अच्छा, मेरी अगर वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पर राइट क्लिक करेंगे, उस पर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप चले जाएं, ठीक है, आपको वहां पर एचटीएमएल पूरा नजर आ जाएगा, आपको वहां पर सीएसएस पूरा नजर आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट भी कुछ हद तक नजर आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड भी और जो है सर्वर साइड पर दोनों पे होता है, लेकिन आपको पीएचपी नजर नहीं आएगा। पीएचपी कभी नजर आता है? नहीं नजर आएगा कभी पीएचपी की कोडिंग। आपको डेटाबेस की जो कोडिंग लगी हुई है वो कभी भी नजर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। तो आपको ये फर्क भी बताया जाएगा, और सर्वर साइड और जो है क्लाइंट साइड क्या होता है वो भी बताया जाएगा। अच्छा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, कोड रन ऑन द सर्वर, सिर्फ वो सर्वर पे कोड रन होता है। अगर मेरी वेबसाइट है तो मेरे पीसी पे सिर्फ रन हो रहा होगा कोड, क्योंकि मैंने एडमिन से लॉगिन किया हुआ है, दूसरों के पास रन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, जाहिर सी बात है ये होता ही इस वजह से क्योंकि आप डेटा वगैरह को प्रोसेस कर पाए, है ना, डेटा तो हम शेयर नहीं कर सकते, डेटाबेस को हम शेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ये इंप्रूवमेंट होती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम क्यों रखते हैं इसको फैसिलिटी, द सर्वर साइड कम्युनिकेशन, सर्वर साइड आपस में, मतलब मुझे किसी वेबसाइट को भेजना है, ये भी हम देखेंगे। ए सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा है ना, ए सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज और ए सिंक्रोनाइज नहीं पढ़ा? अच्छा, इसके अलावा आपने सिमेंट्रिक, ए सिमेंट्रिक, सिमेंट्रिक पढ़ा है, सिमेंट्रिक इंक्रिप्शन और ए सिमेंटिक इंक्रिप्शन, ठीक है। तो सिमेंट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, अगर मैं आपको मैसेज भेजूं अपने, ये इसके एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि जहां से वो निकला उसके बाद वो मैसेज कहीं भी खुला नहीं है, डायरेक्टली वो आपके पास आया, तो ये हमारे पास कहलाता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, ठीक है। ये भी आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करा होता है। यस यस, एनी क्वेश्चन? यस मारूफ फवाद, ओके। इसके अलावा हमारे पास इंट्रोडक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एआई ड्रिविंग, एआई ड्रिविंग जो है वो कॉन्सेप्ट भी हम सर्वर साइड में करवाते हैं। अच्छा, सेमेंटिक, सेमेंटिक समझ में नहीं आया, सेमेंटिक का मतलब ये होता है, ओके ओके ओके, देखिए सेमेंट, ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब ये होता है भाई, जहां से मैसेज निकला उसके बाद डायरेक्टली वो आपके पास पहुंचा है, कहीं भी वो मैसेज खुला नहीं है, ठीक
है, अगर वो किसी के पास खुल भी जाता तो मैसेज उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो अल्गोरिथम में बंद हुआ होता है। अगर कोई जो है वो उसको हैक करेगा वो मैसेज को, तो उसको मैसेज वो नहीं मिलेगा, उसके पास वो अजीब से कोई चाइनीज जबान में अजीब से कोई लैंग्वेज लिखा हुआ कुछ आ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा हुआ क्या। वो किसको लिखा हुआ समझ में नजर आएगा, जिसके पास वो अल्गोरिदम होगा। भाई मैं आपको कुछ मैसेज भेजता हूँ, मैंने डब्बे में डाल के भेजा, इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है, मैं उसको पैक करके बंद करके भेजा, आप खोलेंगे कैसे क्योंकि आपके पास चाबी है। तो जो मैंने मैसेज आपको भेजा है तो वो आपके पास ही जाएगा, ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसमें पीएचपी को देखेंगे। पीएचपी हम सबको पता है एक जो है सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें हम बनाते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। डायनेमिक वेबसाइट्स और स्टैटिक वेबसाइट में क्या फर्क होता है बता सकते हैं? डायनेमिक वेबसाइट्स क्या कौन सी होती है? जो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट्स पे जब मुझे चेंजेस करनी होगी ना, तो आप स्लैश एडमिन करके अपने एडमिन पैनल से उसमें चेंजेस कर लेंगे। यस, आप अपने एडमिन पैनल से उसमें चेंजेस कर देंगे, आपको वेबसाइट पूरी बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैटिक में क्या होता है, आपकी पेज और वेबसाइट्स बनी होती है, अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी होगी, मुझे वेबसाइट को पूरा बंद करना पड़ेगा, मैं चेंजेस करूंगा तो मैं दोबारा उसको अपलोड करवाऊंगा, तो उसमें बड़ा जो है वो, हाँ सस्ती पड़ती है वो। अगर मैं स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो आपको वो 8,000-6,000 में बना के दे देगा, अगर मैं डायनेमिक वेबसाइट्स की बात करें तो 25,000-30,000 में कम से कम वो बना के देगा मुझे। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में भी टाइम लगता है आपको जो है वो। यस, मैंने सिमेट्रिक और ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, ये पूरा एक प्रोसेस है, बेसिकली जो है इंक्रिप्शन के काम आता है। मतलब मैं अगर ना मैसेज आपको भेजूं तो वो आपके पास मुझे जब आप कर रहे होते, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है तो उसमें समझाने टाइम चला जाएगा और हमारे पास टाइम भी काफी हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा है। आप अगर थोड़ा सा रुक जाएंगे तो मैं एंड में आपके क्वेश्चन को लेता हूँ। ठीक है, सिमेंटिक और एसिमेंटिक वाले का। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सर्वर साइड। ओके, अच्छा इसमें आप डायनेमिक वेब साइट्स बनाते हैं। अच्छा, डेटाबेस इंटीग्रेशन इसमें बहुत अच्छी होती है, बहुत इजीली वेबसाइट इसमें बन जाती है। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम इसमें पीएचपी को रखते हैं और या तो हम इसमें ईएसपी डॉट नेट को रखते हैं। अच्छा, ईएसपी डॉट नेट थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है, आपको खरीदना पड़ता है फुल वर्जन। ठीक है, दूसरा उसमें क्या होता है, उसकी कम्युनिटी कम है। अच्छा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब पता है क्या होता है, जिसके कोड को आप इजिली देख सकें, तो ये ओपन सोर्स है। तो अच्छा, दूसरा क्या है, ये फ्री ऑफ लाइसेंस है, इसके कोई भी कंपनी इसको ओन नहीं करती, कोई कंपनी आप इसका कहीं से भी कोड उठा के आप कॉपी पेस्ट कर लें तो कोई भी आपको ओन नहीं कर सकता, ये आपने मेरी वेबसाइट का कॉपी पेस्ट किया होगा। ठीक है, क्योंकि पीएचपी की वेबसाइट है। अच्छा, इसके अलावा आप पीएचपी, ओके पीएचपी जनरली पर्पस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी यूज इन द बिल्ड वाइड वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन, सारी तकरीबन मैं बोलूंगा एप्लीकेशन सारी इसमें ही बन रही है। अच्छा, एआई पावर्ड एप्लीकेशन इन फैक्ट द बिकमिंग इंक्रीजिंग द पॉपुलर इन पीएचपी ड्यू टू द मेनी एडवांटेजेस दैट द पीएचपी ऑफर फॉर एआई डेवलपमेंट। पीएचपी आपको अब एआई, क्योंकि उसने भी देख लिया भाई एआई का काम है, अब जैसे इंस्टीट्यूट भी आपको पता है सारे के सारे एआई की तरफ आते जा रहे हैं, इस तरह आपकी जो मार्केट प्लेसेस हैं, आपकी जो जितना भी ई कॉमर्स पूरा प्लेटफॉर्म है, आपकी जितने भी डराज वगैरह, वो सारे के सारे एआई की तरफ आते जा रहे हैं। एआई में उनको बेनिफिट भी बहुत सारे हैं ना, ये भी एकदम आपके पास कस्टमर आ गया, वो आपकी वेबसाइट में कितनी देर तक रहा, उसकी इंगेजमेंट क्या क्या है, मैंने उसको सारी चीजों को नोट कर सकते हैं मैं उसको, मुझे पता है। या अगर आप मेरी वेबसाइट पे आए और आपने जो है वो टूथपेस्ट को देखा, तो मुझे पता है ये टूथपेस्ट में इंटरेस्टेड है और वो भी बाहर का टूथपेस्ट में। अब मेरे पास कोई भी वेबसाइट में बाहर का टूथपेस्ट आएगा, मैं इनको नोटिफिकेशन भेजूंगा। अगर ये एआई ना होता तो मैं सबको भेजता, तो मेरा एक तो टाइम भी जाया हो रहा है, मैं इतने सारे मैसेजेस भी जाया हो रहा है, और अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो मेरी वेबसाइट से आओगे क्विट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास माई एसक्यूएल डेटाबेस, हम माई एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। भाई पीएचपी तो फ्रंट एंड पे आ रही है, डेटाबेस हमारा कहाँ जाएगा, सारा का सारा माई एसक्यूएल पे जाएगा। ठीक है, तो माई एसक्यूएल को पहले हम इंस्टॉल करेंगे, देन अच्छा ये माई एसक्यूएल और एसक्यूएल तकरीबन ये सेम है, फर्क क्या होता है, माई एसक्यूएल इस्तेमाल होता है वेबसाइट्स के लिए और जो एसक्यूएल इस्तेमाल होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अपैची, अपैची बेसिकली हमारे पास वेब सर्वर है। ठीक है, लोकल वेब सर्वर है, भाई मेरी वेबसाइट में बना रहा हूँ तो उसको मैं डायरेक्टली तो होस्टिंग नहीं करवाऊंगा ना, पहले तो मैं पूरी इसको बना रहा हूँ ना,
तो बनाने से पहले जो पूरा जो पार्ट है ना होस्टिंग वाला, उससे पहले तो वेबसाइट मेरी जो है वो लोकल होस्ट में ही रहेगी ना, तो पीएचपी को दिखाने के लिए, क्योंकि पीएचपी को जो है वो होस्ट चाहिए, तभी आपको पीएचपी नजर आएगी। मैं उसको अगर कॉपी पेस्ट करूंगा उसका कोड, और मैं उसको जो है वो सिंपल एचटीएमएल के साथ उसको सेव करवा के चलाऊंगा, नहीं चलती वो, उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है। तो होस्ट हमारा अपैची सर्वर है, ठीक है, अपैची सर्वर। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर अपैची सर्वर ना होता तो मुझे चार चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती। जैसे सिंपल मेरे पास है भाई, मैं जो है ना वो मैं बोलूँ भाई बिरयानी, अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे है बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए मुझे मसाले चाहिए, मुझे 15 मसालों की लिस्ट बना के दे दी भाई। वो कह रहा है भाई ये मसाले होंगे, ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम। दूसरा तरीका क्या है, मैं मार्केट से गया बिरयानी का मसाला लिया, मैं उसको कह रहा हूँ भाई मुझे 1 किलो बिरयानी बनानी है, मुझे वो पैकेट दे देगा, वो पैकेट मैंने डाल दिया, मेरी बिरयानी बन गई 1 किलो। समझ में आ रही बात? तो अपैची सर्वर क्या है, बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, वो आपको अलग से इंस्टॉल ना करवानी पड़े। तो अपैची वालों से हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपैची सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये किसका फाउंडेशन का, अपैची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, वहां पर हम वेबसाइट पे जाते हैं, अपैची सर्वर डाउनलोड करवा लेते हैं, हमें सारी सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि पीएचपी और वेब सर्वर के काम में आती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डोमेन होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, डोमेन का मतलब वेबसाइट का नाम, मतलब www.uxl.com। तो uxl.com जो है ना वो आपकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, वो मुझे डोमेन से मिलेगा, ठीक, होस्टिंगर से हम लेंगे उसको। और दूसरा क्या होता है होस्टिंग, भाई मेरी वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पे तो रहेगी ना, क्योंकि वो 24 घंटे उसको चलना है, मैं अपनी कंप्यूटर से भी उसको होस्ट करवा सकते हैं। लेकिन मसला ये, जब मैं अपनी कंप्यूटर को बंद कर दूंगा मेरी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो हमें कोई ऐसा सर्वर चाहिए, कोई ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो कि 24 घंटे चलता हो। तो होस्टिंगर हो गया, गो डैडी हो गया, तो उनकी आपने देखा होगा बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, वो सारे डेटा सेंटर्स में आपकी वेबसाइट चल रही होती है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट है गो डैडी के पास है, बहुत सारी वेबसाइट जो है वो नेमचिप के पास है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अगर मैं मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा गो डैडी चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा वो यूट्यूब में प्रमोशंस बहुत करता है आपके जो है वो, अपना अगर आप एड वगैरह भी देख रहे होते हैं तो गो डैडी बड़ा दिखा रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से वो नंबर वन पे आ गया है, ठीक है, प्रमोशंस करवा गया। बाकी आपने होस्टिंगर का नाम अब तो आता जा रहा है, लेकिन पहले होस्टिंगर का नाम देता, अब तो वो भी नंबर वन पे आता जा रहा है। और होस्टिंगर मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो मेथड है ना पेमेंट मेथड, वो बड़े ईजी है, आप इजी पैसा से उसको करवा लें, आप जैस कैश से उसको करवा लें। बट मेरी वेबसाइट बनी, उसमें बिल आ गया मेरे पास 3,000 का, मैंने 3,000 रुपये पे करे, मेरे 3,000 रुपये जैस कैश में आ गए, मैंने जैस कैश से उससे पेमेंट कर दी आराम से, मुझे वेबसाइट मिली। तो बहुत ईजी रहता है, अगर आप कार्ड वाली पेमेंट की जाएंगे तो उसमें कार्ड बनवाना पड़ता है आपको। अच्छा, इसका पर्पस क्या है भाई, हम आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन वेबसाइट ऑन अ www। अच्छा, ये जो शुरू में www आता है ना, ये W3 बार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रजिस्टर करवाता है जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होती है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे आपको पता है www नहीं आता, अगर आप यूरोप में जाएंगे ना वहां पर www नहीं चलता, उनका एक अपना चल रहा है, हमारे पास हम अभी तक www चला रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का मतलब मैंने शुरू में बता दिया था, दोबारा आपको बताता चलूं भाई, एक वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वाली वेबसाइट है, ये आई होप कि ओपन हो जाए, यस। अब ये देखिए, ये कंप्यूटर में इस तरह चलती नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं मोबाइल पे किस तरह नजर आएगी, ये देखिए, ये टैबलेट में मुझे इस तरह की नजर आएगी। आई थिंक ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा, ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ओके हो गया। ये देखें, अब जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो आप यहाँ देखिए इसका पूरा लेआउट चेंज कर दिया, ये देखें लेआउट चेंज हो गया इसका, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको फुल कर देते हैं तो यहाँ पर इसका लेआउट चेंज होता जा रहा है, ये देखिए ये भी बड़े होते जा रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो एक वेबसाइट आपके मोबाइल में किस तरह दिखेगी, एक ही वेबसाइट है मोबाइल में उसका लेआउट कैसा है, आपका जो है टैबलेट में किस तरह लेआउट आना चाहिए, और उसका जो है वो पीसी में किस तरह का लेआउट आना चाहिए, या उससे भी एक बड़ी स्क्रीन जो आती है हमारे पास प्रोजेक्टर पे उसका लेआउट कैसा आना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन करना, वो आइडेंटिफाई करके उसको अलग अलग करना, ये सारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का काम होता है, ठीक है।
इसके लिए हम जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाना भी सीखेंगे मीडिया क्वेरी के जरिए और बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे। बूटस्ट्रैप के बाद आपको अलग से रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जो है वो देख लेता है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो एआई के थ्रू भी करना बताएंगे कि एआई के थ्रू हम रिस्पॉन्सिव कितनी जल्दी हम कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। आप जिसमें प्रॉम्प्ट डालते हैं और वो खुद ही जो है वो आपको क्वेरीज देता है, आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब कहाँ पर कॉपी पेस्ट आपको करना है ये आपको आना चाहिए ना, तो ये पहले हम कोड से हम सीखते हैं, कोड पीएचपी वगैरह लगाते हैं और उससे हम सीखते हैं कि ये जो है वो काम किस तरह कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रिस्पॉन्सिव के बहुत सारे फायदे हैं। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, एक तो पोर्टेबल होती है भाई, हर डिवाइस पे चल जाती है, आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, हर प्लेटफॉर्म पे आपकी जो है वो चल जाती है। ओरिएंटेशन भी इसमें हम डाल देते हैं, आपने देखा मोबाइल को हम यूं करें और यूं करें फर्क आता है ना, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेब सर्विस में क्या क्या है हमारे पास, स्मार्टफोन पे किस तरह चलनी चाहिए, टैबलेट पे किस तरह, लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे किस तरह चलनी चाहिए, एडवांटेज बहुत सारे, यूज एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा होता है। अगर मैं एक वेबसाइट है और वो सिर्फ डेस्कटॉप के हिसाब से बनी हुई है और अगर मैं उसको मोबाइल में खोलता हूँ तो मुझे बार बार जो है वो आगे पीछे करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, एनालिटिकल बहुत अच्छा होता है, मतलब इससे ट्रैफिक आपका बढ़ जाता है आपकी वेबसाइट्स का। अच्छा, उसमें क्या होता है, दूसरा शेयरिंग एंड लिंक करना बड़ा इजी होता है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक भेजना और से लिंक मंगवाना बड़ा इजी रहता है, ठीक है। एसईओ करना इसका बड़ा इजी रहता है, बहुत जल्दी से ही एसईओ हो जाता है। उसके बाद है हाउ टू यूज एआई विद द वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस को किस तरह एआई के साथ जोड़ेंगे वो हम देखेंगे। वर्डप्रेस क्या होता है, बेसिकली जो है वो सीएमएस होता है, पूरा का पूरा मतलब तैयार एक सीएमएस होता है, जस्ट आप थोड़ी सी एडिटिंग करके आप अपनी वेबसाइट्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी समझ है HTML की, आपको जावास्क्रिप्ट की समझ है, आपको जो है वो CSS की समझ है, तो आप इजीली इसमें काम कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा कोडिंग्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोडिंग में सिर्फ ये तीन जो है वो स्किल्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको चेंजेस भी तो करवानी पड़ती ना, वरना तो अगला समझ जाएगा ये वर्डप्रेस से उठाया हुआ हमें जो है वो थीम पूरा पकड़ा दिया अगले ने, तो वो आपको पैसे कम देगा फिर, क्यों बोलेगा ये आपकी इतनी मेहनत तो है नहीं, आपने पूरा का पूरा वर्डप्रेस से लगा के दिया। तो हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेस भी करके देते हैं कि हमारे क्लाइंट जो है वो देख ना पाए, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, क्यों पॉपुलर है, इजी बहुत है। अच्छा, उसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरा प्लगइन पैसों वाले भी हैं, ठीक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आपको प्लगइन मिल जाते हैं। अच्छा, आपको जैसे वो प्लगिंग है, अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहा हूँ तो वो प्लगिंग मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं, पेमेंट मेथड मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो एसईओ प्लगिंग मिल जाता है जो आपको एसईओ करवाने में काम होता है, इसके अलावा बहुत सारे आपको प्लगिंग्स मिल जाते हैं। अच्छा, पॉपुलर इजी इजी बहुत है, कस्टमाइज करना इसको बड़ा आसान होता है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड, ज्यादा कोडिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, कोडिंग तो इसमें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो कोडिंग्स होती है, जो पीएचपी वगैरह में हम कर रहे होते हैं, तो ऐसी कोडिंग की जरूरत नहीं होती, जहां जहां चेंजेस करवानी होगी जैसे वहां पर कोड करेंगे। अच्छा, पॉपुलर जो है वो एसईओ का जो है बनी बने इसमें क्या बोलेंगे, प्लगिंग मिल जाता है आपको, सिक्योरिटी का प्लगिंग आपको मिल जाता है जो कि वेबसाइट को सिक्योर करवाता है, फॉर्म कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगिंग मिल जाता है बनी बनाए, कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्टेक्ट फॉर्म करेंगे और वो आपको प्लगिंग जो है वो दे देगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ईशा, यस बस 5 मिनट है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो कैचिंग प्लगिंग लाइक सॉरी कैशे इंप्रूव द वेबसाइट लोडिंग टाइम। अच्छा, कैशे क्या होता है, आपने मोबाइल में भी देखा होगा बहुत सारे कैशे ही बन जाते हैं, 2 2 GB का, 6 7 महीने से नहीं करा तो 2 GB के कैशे बन जाता है। कैशे बेसिकली होता क्या, कैसे बनता किस तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मैं आपको बोलूं, मैं आपको कार्ड दूं और मैं आपको बोलूं भाई मुझे इसमें कटिंग करके आप फ्लावर बना के दिखाएं, तो आप फ्लावर तो उसको कट करके बना लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारा कागज जो है वो जाया हो गया, बहुत सारा कार्ड जो है वो जाया हो गया, तो ये जो जाया हो गया ना ये आपका कैशे होता है। आपका जो प्रोसेसर होता है मोबाइल का या कंप्यूटर का, वो कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, आपने जो भी इसको कमांड दी प्रोसेस कर रहा होता है, तो उस प्रोसेस के दरमियान में बहुत सारी फाइल्स बन रही होती है जो कि बाद में उस काम में नहीं आती, ठीक है, तो कैशे मेमोरी में चली जाती है। तो कैशे को जाहिर सी बात है, अगर आपकी वेबसाइट में कैशे बहुत ज्यादा हो गया तो वेबसाइट लोडिंग होने में टाइम लगाएगी, तो हम क्या करते हैं ये वाले प्लगइन लगाने के बाद ऑटोमेटिकली कैशे उसके रिमूव होते रहते हैं, ठीक है, और कैशे रिमूव होंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एसईओ करना, देखना एसईओ हम किस तरह कर पाते हैं और आपकी वेबसाइट को रैंक किस तरह करवाते हैं वो हम देखेंगे।
इसके अलावा जो है वो एनालिटिक, मतलब आपकी वेबसाइट पे आप एनालिटिक किस तरह करते हैं, भाई मेरा बिजनेस कितना जा रहा है, कितना दूर तक गया, कितने लोग आए, कौन सी चीजों पे वो रुक रहे हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको कोई देख ही नहीं रहा, तो मैं उसको जो है वो हटवा सकता हूँ, ठीक है। इससे मेरा यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। उसके बाद ये सब करने के बाद एंड में जो है वो आपको एक वेब प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसको आप खुद बना रहे होंगे, और उसके अंदर ये जितनी भी सारी चीजें, मतलब एक वेबसाइट मैं आपको दूंगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी वो, और उसके अंदर आप पूरी कंप्लीट एक वेबसाइट बनाएंगे प्लस होस्टिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग आप बोलेंगे सर होस्टिंग तो महंगी पड़ेगी, तो होस्टिंग के लिए ये है कि हम एक डोमेन एंड लेंगे, उसके बाद उसका सब डोमेन ले लेंगे, पता है ना डोमेन का सब डोमेन भी होता है। जैसे आप, अगर मेरे पास पैसे नहीं है सही है कार्ड के अंदर, और मुझे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, या मुझे जो है वो जिप पे वेबसाइट बनानी है, या मुझे जो है वो साइट डॉट गूगल पे वेबसाइट बनानी है, फ्री में बना सकते दे देगा, लेकिन क्या होगा, दिनेश, मतलब दिनेश नाम से हमें लॉग इन लेना है, दिनेश डॉट साइट इन डॉट गूगल डॉट कॉम ये आ रहा होता है। तो ये बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसका सब डोमेन लिया हुआ मैंने, ठीक है। तो एक डोमेन लेने के बाद उसके हम चाहें तो 10 डोमेन सब डोमेन बना लें, 15 सब डोमेन बना लें उसके, ठीक है। तो सब डोमेन बनाएंगे, देन उसके बाद उस सब डोमेन पे हम अपनी वेबसाइट को रख के आएंगे, ठीक है। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस, ये सारी चीजों को हम देख रहे होंगे, वेब एप्लीकेशंस को, इसमें ये सारे जो 6 फेजेस होते हैं, सबसे पहले ये 6 फेज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यस, और ये आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनालाइज, ठीक है, एनालिटिकल, आप भाई मसला क्या है, प्रॉब्लम तो आपको बनाना क्या है, पहले हम वो देखेंगे, वो हमने ठीक से एनालाइज कर दिया, आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को बिठाएंगे, उसे पूरा, मतलब पूरा जितना डिटेलिंग आप करेंगे ना उसको, उतना ही जो अच्छे से आप कर पाएंगे, वरना क्या होगा, बहुत से ग्लिचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने उसको बिठाएंगे पूरा, उससे पूछेंगे भाई आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, उसके बाद हम एनालाइज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे, डिजाइन करेंगे, उससे अप्रूव हो गया, उसके बाद हम डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोडिंग वाला पूरा कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद, अच्छा ये सारे हम बाद में देखेंगे जब हम इंशाल्लाह जब आएंगे, तो इन सारों को भी हम देखते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारा हम पार्ट को देखेंगे, टेस्टर किस तरह होता है, डेवऑप्स क्या होता है, ठीक है, टेस्ट हम करेंगे, टेस्ट के बाद डेवलपमेंट हम करेंगे, भाई उस वेबसाइट को डेवलप करवा देंगे, फिर वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी, या हम उसके पीसी में इंस्टॉल करवा देंगे, ठीक है, अगर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवा रहा है तो इस्तेमाल के वो काबिल हो गई, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस, भाई एक दफा वेबसाइट आप बना के दे देते हैं ना किसी को, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत आना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उससे एग्रीमेंट करवाते हैं, साल का पूरा एग्रीमेंट करवा लेते हैं, तो हर महीने वो हमें 3,000 रुपये 4,000 रुपये जो भी हमने रखवाया है, आप कहना भाई अगर कोई आप न्यू है तो आपने 1,000 रुपये रख लिया, 1,000 रुपये में क्या है कि महीने में एक आध दफा कोई मसला हो गया तो वो भी परेशान तो नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो भी काम कर रहा होगा, जब उसको कोई डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है, ये लॉगिन में प्रॉब्लम बड़ा आता है, तो वो आपको रब्ता करेगा भाई ये मसले आ रहे हैं, और वो लॉगिन प्रॉब्लम कब आता है, जब डेटाबेस फिलअप हो जाती है, तो आप क्या करें, डेटाबेस का बैकअप बना लेंगे, डेटाबेस दोबारा खाली होगी और दोबारा चलना शुरू हो जाती है, तो इस काम का आप उससे 1,000 रुपये ले लेंगे, और आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको स्क्रीन शेयर करवाएगा, आपने बैठे बैठे चेंजेस कर ली जो भी आपको चेंज करवाना था, और दोबारा उसको जो है वो दे दिया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, इन सारी चीजों को भी देख रहे होंगे कि वीआर किस तरह काम आता है, भाई ए आई पे हम किस तरह काम करेंगे, ठीक है, ई कॉमर्स पे, अच्छा हम जो है वो पेमेंट मैटर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया सोशल कॉमर्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, है आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट के जो है एड्स आ रहे होते हैं, तो एड वगैरह लगाना वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, अच्छा ट्रैफिक किस तरह इम्प्रूव किया जाए, अच्छा सेल्स हमारे किस तरह जनरेट की जाए, और पॉजिटिव रिव्यू किस तरह लिया जाए, ठीक है, ये कस्टमर आए और हमें पॉजिटिव रिव्यू दे के जाए। इसके बाद हम इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग को देख रहे होंगे, फ्रीलांसिंग हम सबको पता है भाई फ्रीलांसिंग क्या होती है, भाई आप अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोई जॉब कर रहे होते हैं, कोई टाइमिंग फिक्स ना हो तो ये फ्रीलांसिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें आपको कोई टास्क दिए जाते हैं और टास्क को कंप्लीट करते हैं आपको पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, ये सारे, इसमें से सारे तो नहीं, हम अपवर्क और फाइबर को देख रहे होंगे, इसके अलावा लिंक्डइन और फेसबुक पे आपको अकाउंट ऑलरेडी बने हुए होंगे, वहां पर हम इसको देखेंगे कि इस काम को इस तरह वहां पर किस तरह किया जाता है, ठीक है, जिसपे लिंक्डइन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, लिंक्डइन पे आप लोगों को ज्यादा ना पता हो, लेकिन लिंक्डइन पे आपकी सारी जॉब्स भी आती हैं, ठीक है, और वो अप्रूव्ड जॉब होती हैं,
लिंक्डइन पे आपको ऐसे पोस्ट नहीं लगा सकते, फेसबुक पे तो हम ऐसे पोस्ट लगा देते हैं ना, ये जॉब ना भी हो तब ये कोई भी पोस्ट लगा दे सकता है ना, आपका खुद का अकाउंट है। लिंक्डइन पे आप ऐसा नहीं लगा सकते, लिंक्डइन पे जब आप जॉब पे लगाएंगे तो आपको पूरी जो है अपना एड्रेस देना पड़ता है अपने जॉब का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे पूरी ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा जॉब वाली, ठीक है, जो डोमेन वाला होगा ना, जीमेल अकाउंट नहीं चलेगा, डोमेन अकाउंट चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो dinesh.uxl.com, तो ये वाली आईडी मुझे लगानी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फ्रीलांसिंग में किस तरह होता है, अच्छा, चूज द लाइन ऑफ आपको क्या क्या काम करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी स्किल्स को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद चीजें कवर हो जाएंगी। यस, बिल्कुल कवर हो जाएंगी, ये एक दिन में एक सेशन कवर होगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 2 दिन का, वो आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप मुझसे ऑनलाइन कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करके आपको दोबारा भेज दूंगा, आप उसको देख भी लें, ठीक है। जहां पर भी आपको ग्लिचेस आ रहे होंगे, कोई चीज बन नहीं बन रही होगी, तो आप मुझसे रब्ता करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी, आप अपनी फिर बाद में इसमें ब्रांड की तरफ आएंगे, आप अपने ब्रांड बना लेंगे, उसके बाद डिसाइड योर रेट ऑफ पे, आपका क्या रेट होना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें इस चीज के रेट कितने रखने चाहिए, और क्योंकि हम नए हैं तो हमें किस रेट पे काम करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और मार्केट सर्विसेज, ठीक है, मार्केट योर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को मार्केट करवाना, तो ये कुछ फेसेस हैं हमारे पास ई कॉमर्स के, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कुछ पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये हम बेसिकली जो है वो रिसेंटली हमने जो है वो प्रोग्राम हम करवा चुके हैं नेफटेक के साथ, ठीक है, जो कि फेडरल का इदारा है अभी, और दोबारा हम जो है वो नेफटेक के साथ आए हैं। अच्छा सर, फरहान बिल आई थिंक कम, और वो आपको जो है वो नेफटेक के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे इंशाल्लाह, और टाइम आई थिंक काफी ऊपर हो गया, 7:30 का था, है ना, बस 2 मिनट है, सर फरहान आएंगे और टेस्ट। अच्छा, मैं माइक सर फरहान को दूंगा, जो कि हमारे पास जो कि हमारे जो है वो सी हुए हैं इंस्टीट्यूट के, जी सर फरहान, ओके। थैंक यू दिनेश फॉर प्रोवाइडिंग अ वंडरफुल ओरिएंटेशन ऑफ ई कॉमर्स वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, जो कि एक प्रॉपर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको जो भी फीचर्स अभी कवर कराए गए हैं और बेनिफिट्स कवर कराए गए हैं, और इसमें मेन फोकस हमारा, जैसा कि आपको यहाँ पे डिटेल में दिनेश ने बताया भी है, कि अर्निंग की तरफ है, कि आप जो है वो ये स्किल सीखें और डायरेक्टली अर्निंग की तरफ जाएं, ताकि कोई भी चीज थ्योरी ना हो और आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्किल सीखें और क्लाइंट के पास आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो फर्दर कुछ यूएक्सएल के बारे में बताते चलते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चलूंगा कि हमारी जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप्स हैं, तो जैसा कि अगर थोड़ा सा यस सर, तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक नेफटेक के साथ एमओयू है, जिसमें नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हम डिफरेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि वेब डिजाइनिंग का कोर्स जहाँ पे आप करें उस प्लेटफॉर्म की क्या एक्टिविटीज हैं या क्या क्या वो कराते हैं, ताकि आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले। तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये हमारा आईटी लैब है, जिसके बारे में ऑब्वियसली जो हमारे फिजिकल ऑडियंस है वो तो ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे वर्चुअल ऑडियंस है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस तरीके से हमने लैपटॉप वगैरह सब रखे हुए हैं, और ट्रेनर पूरा इन्वॉल्व होता है पार्टिसिपेंट के साथ, तो 1-to-1 एक जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बिकॉज देखिए, आजकल का दौर हमें भी पता है, आपको भी पता है कि यूट्यूब का है, कि बड़ा इजीली आप यूट्यूब पे चले गए, वहां पे हाउ टू मेक ई कॉमर्स, आपके पास कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। लेकिन क्यों आप यूट्यूब को छोड़ के या यूट्यूब को फॉरगो करते हुए आप यहाँ पे आएंगे, वो ये है कि यहाँ पे एक ह्यूमन टच है। ह्यूमन टच मीन्स कि आपको एक प्रैक्टिकली सर आपके साथ बैठे हुए, जो कि आपको गाइड करे, जहां पे आपको इशू आ रहा है उस इशू का आपको हल बता रहे हैं। क्या यूट्यूब आपसे इंटरेक्ट कर सकती है कि नहीं, दिस इज वेयर यू आर डूइंग रॉन्ग, तो वो क्या यूट्यूब पर, यूट्यूब तो वो बता सकती है कि जो एसओपी है, लेकिन इंसान गलतियां भी करता है, तो उन गलतियों की जो निशानदेही है
वो कौन बताएगा, या फिर आपको जो एक्चुअल इश्यू आ रहा है उसका कौन बताएगा? तो वो सारा आपको यूट्यूब के बनिस्बत आपको प्रैक्टिकल जो सेशन यहाँ पे सर की सुपरविजन में जो मिलेगा, वो आपको आपको हैंड्स ऑन आपके इश्यूज को नजर रखते हुए आपको रिजॉल्व करके देगा कि आपका ये इशू है, आप इसमें ये सॉल्यूशन करें। तो ये यहाँ पे आके ऑब्वियसली एक एज मिल जाता है एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, जो कि आपको फोकस करे आप पे डायरेक्टली। यूट्यूब की फोकस कर रही है सब पे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फोकस है मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, हुरिया। तो यहाँ पे फोकस है सर का हुरिया पे कि भाई हुरिया का क्या इशू है। मिसाल एक बात है, कोई और पार्टनर उसका क्या इशू है, उसको हम रिजॉल्व कर सके ताकि वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सके, आगे बढ़ सके, राइट। तो इसी तरीके से हम आगे भी फर्दर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको एक एडिट बेनिफिट देते हैं इन टर्म्स ऑफ LMS रिकॉर्डिंग। कोई सेशन अगर आपसे रिकॉर्डिंग मिस हो जाती है, या कोई आपसे अगर जो है वो कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते, या आप क्लास अटेंड कर लेते हैं लेकिन जाहिर है सब चीजें तो क्लास में बंदा नहीं सीख सकता, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है रिवाइज करने का, तो आपके पास LMS रिकॉर्डिंग्स का एक फीचर है जो हमने रखा है, जिसमें आप उन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स वापस देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग टोटल 2 मंथ्स की है, इसके साथ साथ 6 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको एक्सेस दिया जाएगा, तो टोटल रिकॉर्डिंग्स एक्सेस 8 मंथ्स रहेगा आपके। इसके साथ साथ ये रिकॉर्डिंग्स आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं और आप डेस्कटॉप भी देख सकते हैं। ये फिर आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा, इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं, ये आपके फायदे के लिए रखा है हमने। और इसकी ऑब्वियसली कॉस्ट सारी डॉलर्स में होती है जो कि हम पे करते हैं, बिकॉज ये सारा हमने आउटसोर्स किया है बाहर से, लेकिन आपको हम एक नॉमिनल पैकेज में देते हैं ताकि आप अफोर्ड भी कर सके और हम आपको एक सर्विस भी दें और ऑब्वियसली कॉस्ट भी कवर कर सके जो कि हमें देनी होती है आगे सप्लायर्स को। अच्छा, ये हमारी कुछ फर्दर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, हम डिफरेंट कंपनीज में भी जाके ट्रेनिंग कराते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि KFC पाकिस्तान है, UBL बैंक है, मीजान बैंक है, गवर्नमेंट के हैं स्टेफ्टा, आर्टिस्टिक मिलियनेयर जो कि टेक्सटाइल एक बड़ी एक वो है टेक्सटाइल फैक्ट्री है या टेक्सटाइल का काम करती है। तो इस तरीके से हम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन मुख्तलिफ जगह पे कॉर्पोरेट में भी कराते हैं ट्रेनिंग। अच्छा, अब वो वक्त आ गया जिसका जो है वो एक जो है वो इंतजार रहता है, वो ये कि सर आपकी बातें सब हमें समझ में आ गई, लेकिन अब बताएं कि ऑफर क्या है। तो ऑफर का ये पार्ट जो है मैं रखूं या ऑफर को स्किप करके आगे बढ़ूं, क्या ख्याल है जी? मुझे जवाब नहीं आ रहा, तो जवाब नहीं आ रहा तो फिर मैं स्किप कर देता हूं। ऑफर होनी चाहिए, चलें जी, दैट्स ग्रेट। तो आपके लिए वैसे भी ऑब्वियसली बहुत ही हमने एक इसको एक ऐसा कोर्स रखा है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और स्किल से फायदा उठा सके, लेकिन ऑब्वियसली जाहिर है जब आप आ रहे हैं यहाँ पे तो चीजें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी ट्रेनर है, बहुत सारी और चीजें जो कि आपके बेनिफिट के लिए रखी गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि हम आपको सबसे पहले तो इस ट्रेनिंग में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि 40 आवर्स की प्रैक्टिकल लर्निंग की जाएगी। फिर आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा इंडोर, ताकि आप कहीं अगर एम्प्लॉयर के पास जाएं तो आपको सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज मिले। फिर आपको जो है वो LMS का रिकॉर्डिंग एक्सेस, ये भी बाहर मार्केट में इस तरीके से इतना ज्यादा नहीं देते, लेकिन हमने LMS का एक फीचर आपके लिए रखा है। उसके अलावा लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये आपको यूट्यूब भी नहीं देगी, कोर्सेरा या जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लें वो आपको ये नहीं देंगे बेनिफिट के भाई व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट में रह सकते हैं टीचर के साथ, इवन ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद भी लाइफ टाइम एक्सेस है व्हाट्सएप का। उसके साथ साथ ये सारे बेनिफिट देते हुए 8,500 की पहले ही ऑफर थी, लेकिन और लमसम में 15,000 में, मतलब 3 महीनों तीन ये के 2 महीनों के, और लेकिन आज आपके लिए ये सिंपल 7,500 पर मंथ के बेसिस पे रखी गई है, ताकि आपके लिए एक अफोर्डेबल मींस भी हो बट एट द सेम टाइम आपको वो वैल्यू मिले जिसका आपको इंतजार है। कि ये वैल्यू उस तरीके से इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाती, बस एक स्टूडेंट को भी एक कमोडिटी की तरह लिया जाता है कि ये आएगा बिजनेस है और बिजनेस के हिसाब से पैसे देगा और चले जाएगा। हमारे लिए ये बिजनेस से भी ज्यादा ये है कि आपके स्किल्स में क्या इजाफा हो रहा है, वो ज्यादा फोकस है हमारे लिए, और वो इंशाल्लाह ताला आप जब आएंगे तो आपके लिए एक्चुअल नजर आएगा कि हम कितने फोकस्ड हैं अपने स्टूडेंट्स पे, कि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि वो सीखें और आगे बढ़े। तो इस सिलसिले में 7,500 पर मंथ है, और अगर आप लमसम कर देंगे 2 महीनों की एडवांस में पे कर देंगे तो 13,500 है। हम क्योंकि टैक्स अथॉरिटी रजिस्टर्ड हैं तो हम टैक्सेस भी पे करते, तो ये फीस वगैरह
सारी टैक्सेस इंक्लूडेड है, सर्टिफिकेट की फीस में है, रजिस्ट्रेशन की फी भी इसमें है, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। एक ही फुल पैकेज बना दिया गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एक एग्जैक्ट फिगर आपके लिए, ठीक है। तो ये एडमिशन ऑब्वियसली 16 अक्टूबर को एंड हो जाएगा 3 PM। उससे पहले पहले काइंडली अपने आप को रजिस्टर करवा दें। आपको जूम लिंक पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके बाद फिर आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो आपको फर्दर क्लासेस की इंशाल्लाह ताला डिटेल्स फर्दर मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली वी आर अवेलेबल फॉर द क्वेश्चन आंसर। आई डू अंडरस्टैंड कि ये डेमो हमारा ओरिएंटेशन 7:30 बजे खत्म होना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया बिकॉज क्योंकि नमाज का ब्रेक भी आ गया बीच में, और ऑब्वियसली आपके साथ चीजें भी शेयर करने का बहुत कुछ था। हम चाहते थे कि आपको जितना मैक्सिमम दें। तो पहला तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जब आप आए यहाँ पे तो जो आपके ऑब्जेक्टिव थे क्या वो क्लियर हुए या नहीं हुए, राइट? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए आपके? जी फरा, फातमा एंड अरसलान खान, जी बताइए आपके ऑब्जेक्टिव जो थे वो पूरे हुए? ओके ग्रेट। देखिए ये फातमा, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, बिकॉज ये हमारे लिए एक तसली है कि हमने जो आपको दिया, बिकॉज सबसे कीमती आजकल का टाइम है। लोग पैसों को भी इतनी अहमियत नहीं देते, वो टाइम को अहमियत देते हैं कि सर हमने खास टाइम निकाला, हमारा टाइम जाया ना हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमने यहाँ पे मेहनत करके आपको एक पूरा एक अच्छी ओरिएंटेशन दी है, इसी तरीके से आगे भी हमारा यही फोकस होगा कि एक एक क्लास में जब आप आए तो आपका टाइम जाया ना हो, कुछ नई चीज, कुछ प्रैक्टिकल चीज आप सीख के जाएं, जिससे आपको लगे कि हाँ आज का दिन मेरे लिए बड़ा यूजफुल रहा है। इसी तरीके से आपका हर दिन गुजरता जाए, ये हमारा फोकस है। और वो इंशाल्लाह ताला आपको आगे जो आप अटेंड करेंगे तो उसमें आपको नजर आता जाएगा, और हम उसमें यही फोकस रखेंगे कि एवरीथिंग समटाइम्स न्यू थिंग होनी चाहिए। तो जब आप आए हर सेशन में कुछ, हाँ सर आज पुराना भी मैंने लर्न किया लेकिन आज नई ये भी टेक्निक सीख ली मैंने, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा, राइट? तो ये फोकस के साथ इंशाल्लाह लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली काम कामयाबी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये प्रोफेशन ले रहा है उसके लिए बेतहाशा काम है, क्योंकि आज जो भी बिजनेस है उसको वेबसाइट चाहिए चाहिए, ई कॉमर्स चाहिए चाहिए, छोटा बिजनेस भी हो। मैं कहता हूँ चिप्स फ्राई वाला भी आजकल जो है ना कुछ अपना फेसबुक का पेज बना लेता है या कुछ ना कुछ वेबसाइट हल्की फुल्की, क्योंकि वो कहता है ऑनलाइन कुछ करना है मुझे। So I wish you all the very best for your experience here. We are open for any questions. हम 5-6 minute questions के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर हम अपने demo को end कर लेंगे। तो आपको अगर कोई भी question है तो आप पूछ सकते हैं, we are available. Thank you. Any questions? Online भी होंगी, physical भी होंगी, लेकिन obviously हम आपको prefer करेंगे कि आप physical आएं, क्योंकि इसमें आपको 1-to-1 जो इंटरेक्शन होगी वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती। फिर घर में जो है वो शोर शराबा या कोई भी एक सीन, तो उसमें आपका ध्यान बढ़ सकता है। यहाँ पे आके आप फोकस रखेंगे, प्रॉपर प्रॉपर एक माहौल मिलेगा आपको, तो प्रेफर यही है। लेकिन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी जैसे चल रहा है, अभी भी जैसे ऑनलाइन चल रहा है और फिजिकल आप। एनीथिंग एल्स? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। सर सैटरडे को मेरी एक और जगह क्लास होती है, क्या ये चेंज हो सकता है? देखिए टाइमिंग्स हमने वैसे बड़े रखे हुए हैं वो फोकस करके, तो ये बहुत मुश्किल होगा अभी कमेंट करना, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और हमने ये पूरा शेड्यूल एक बनाया हुआ है। ताहम अगर आपका ये फोकस है तो फिर हम बाद में आपको कंफर्म कर सकते हैं कि यह होगा या नहीं, क्योंकि पहले क्लासेस एटलीस्ट स्टार्ट हों फिर हम आपको टाइम का कंफर्म कर सकेंगे ये एग्जैक्टली। लेकिन अभी के लिए यही टाइम है जो आपको बताया गया। तो मैं एलएमएस पे भी जा रहा हूं। हां 2 days, वेडनेसडे सैटरडे, 4 से 6? नहीं 6:30 से करना, 6:30 से नहीं। तो एलएमएस पे भी जा रहा हूं, ऑनलाइन भी जा रहा हूं, अगर आप घर से देना चाहें तो भी ले, ठीक है? एनी क्वेश्चन? यू फाइन? क्या ये डेमो इतना अच्छा हो गया कि कोई सवाल ही नहीं है? चले ठीक है। With that, I would really like to thank you all for your attention into this demo and attending it. And I wish you all the very best for your learning experience here at UXL. And I really look forward to welcoming you all. Thank you so much, Farhan Shahid Qazi, signing off from this orientation that we had today. Thank you.